अबे किस बेवकूफ का फोन बज रहा है, बंद करो इसको। अरे इतना तो चुड़ैल भी नहीं चिपकती किसी को जितना तुम लोग मोबाइल को चिपक जाते हो। कैंसर हो जाता है इससे, कैंसर। साइलेंट मोड पे रखो इसको, ओके? रेडी, मूड के साथ रोल साउंड। डायरेक्टर साहब एक मिनट। जी लाटू जी। मैं पूछना चाहता था डायरेक्टर साहब कि वीडियो के एंड में यानी कि मैं मेरे मतलब स्वीटी को थोड़ा सा क्या टच कर सकता हूँ? क्या बात करते हो लाटू जी, आप चाहो तो झप्पी ले लो। झप्पी? मैं पक्का? मुझे पता है डायरेक्टर साहब मैं सपना देख रहा हूँ, फिर भी पूछना मेरा फर्ज है जी। मतलब पक्का समझो उसको, माइंड नहीं करेगा वो। लाटू जी, आप इस एल्बम के प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, स्टार हो, माइंड क्यों करेगी वो? जरा एक बार फिर बोलना। लाटू जी, आप इस एल्बम के प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, स्टार हो, माइंड क्यों करेगी? छा जाओ। ओके रेडी एवरीवन, मूड के साथ टेक करने जा रहे हैं, ठीक है? रोल साउंड, 1 2 3 4। मुश्किल से दिन ये आया, तू डेट पे मुझे बुलाया, ओ मार के मैं भी इतर महकता चला आया। सहेली नाल ले आई कमल, ये कल ले आया कल। पढ़ाई मैं लास्ट बेंच पे बैठ के तेरे लिए सीट बचाई। तू जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती मैं भी वही करूँ पढ़ाई, मैं लास्ट बेंच पे बैठ के तेरे लिए सीट बचाई। ओ सुन मैडम की चमची, मेरे पास भी आया कल। बजा ले, पहले बजा, पप्पी भी लेके रहूंगा एक दिन। ओहो, अबे निकल जा। ये तो कुछ और ही निकल रहा है, तो फोन कहां डाल दिया मैंने। हेलो बॉस, बोल रहा हूँ। पाजी, ये कौन से नंबर से बोल रहे हैं आप? अरे तुझे क्या करना है मेरे नंबर से? फोन उठाने में देर क्यों? ओ जी, एक नंबर पे लगा था जी, इसीलिए देरी हो गई जी, आगे से नहीं करूँगा जी, मतलब फोन उठाने में देरी जी। बकवास बंद करो, बता किधर है? लो पाजी, अभी आप ही ने तो कहा था जर्नैल पे नजर रखने के लिए, आपकी कसम पाजी, उसी के गेट के सामने उसी की क्यारियों को पानी दे रहा हूँ जी। हम पे ये किसने
हरा रंग डाला मार डाला मार डाला। पानी भी भूल जाते हैं यार, खुद ही काम बताते हैं खुद ही भूल जाते हैं। क्या ढूंढ रहा है तू? हाथ इधर करो भैया। क्यों? हाथ इधर करो प्लीज। और क्या हुआ? ये लो। क्या है ये? हैंड सैनिटाइजर। शुशु करके आपने हाथ नहीं ना धोए, प्लीज। ओ, मुझे नहीं धोने यार। पागल हो गया तू? पता है कितने कीटाणु होते हैं? हाथ इधर करो, साफ हो जाएंगे, प्लीज। ओ, मुझे नहीं धोना, नहीं धोना मुझे। तू भी मत लगाया कर, जब देखो टच करने का बहाना ढूंढता रहता है। ओए हम गुंडे हैं गुंडे, कोई डांसर नहीं जिन्हें स्टेज पे जाके ठुमके लगाने होते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया? साफ सुथरे और खुशबूदार लगेंगे तो सामने वाले के ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ता है, पता है आपको? ओए हमें सामने वालों की हड्डियाँ तोड़नी होती हैं, कोई उनकी पप्पी नहीं लेनी होती। और कोई हमको आके ये थोड़ी कहेगा, पाजी बड़े सोने लग रहे हो, थोड़े जपी पाके थप्पड़ मारो ना। ओए की तू इस समय शहर के सबसे खतरनाक डॉन पुपिंदर सिंह के साथ काम कर रहा है। मर्द बन मर्द, समझा? पागल, हिलडुल के बोलना बंद कर, सीधे सीधे हिंदी बोला कर, रो पड़ता है। अरे बाबा जी, आपको क्या दुश्मनी है मेरे साथ? नहीं, मैंने आपका कोई प्रसाद चोरी किया जो आप मेरी विनती नहीं सुनते हो? छोटे छोटे दो सपने थे मेरे, 365 जगराते लगाकर 219 शादियों में गाकर मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके एक सीडी बनाई थी मैंने। सोचा था सीडी चल जाएगी, स्टार बन जाऊंगा, ये किराए के मकान से निकलूंगा और बंगलों में रहा करूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा, थोड़ी सी फीलिंग ले लूंगा। पर गिन के 5 सीडी बिकी मेरी, उनमें से भी 4 पुलिस वालों ने ले ली, ये मुजरिमों को 3rd डिग्री देने के लिए। एक सीडी किसी कला के कदरदान ने लिया। म्यूजिक की समझ है उसको, अगर मुझे वो कहीं मिल जाए ना, आधा पौआ पिला के भुजिए के साथ उनका थैंक यू करूंगा। भाई साहब धन्यवाद, आपने मेरी सीडी ली। हाय, दूसरा सपना था। अपनी एल्बम का कम से कम एक वीडियो निकालूंगा सिंगल। मैं स्वीटी जी को लेके बनाऊंगा, उनके साथ नाचूंगा, वो हीरोइन मैं हीरो। पर वो भी सपना आप सपने में भी पूरा नहीं होने देते, वहां भी स्वीटी जी चाटा मार देती हैं। बाबा जी बहुत हो गया यार, अब कब तक मैं अपने आप को ये समझाता रहूंगा कि जब किस्मत होए फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुद्दू। कोई चमत्कार करो महाराज, भेजो कोई फरिश्ता वरिश्ता मेरे लिए। ला महल निकाले और घिसे भी कम। साबुन इस्तेमाल करो 307। खाजू तुझको है? मीठा। आ गए? आ गए, आ गए। रुक 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 रुक, खोल गम प्लीज। इधर में पाजी कौन सी सीट में है? पाजी है या भी नहीं? क्या है? सॉरी सर। क्या करे सर, इतनी बड़ी गाड़ी में एक बंदा कहाँ बैठा है पता ही नहीं लगता जी। तुम्हारी तो चलो। ओए कंजरो, बुत बनकर खड़े हो, यहाँ कोई ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है क्या? घंटी घंटी बजाओ। ओए जर्नैल वे बारा। पाजी जर्नैल नहीं, जर्नैल होता है। ओ तू क्या उसका सेक्रेटरी है? जर्नैल नहीं, जर्नैल होता है। ओए दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा, कभी भी नहीं खोलूंगा। तोड़ दे दरवाजा। अच्छा तो फिर साइड में हो जाइए प्लीज, कहीं लग ना जाए। अबे ओए पकड़ो उसको, बच के ना जाए। रुक जाओ ए, चल बैठ। क्या बे, मैंने तुझे 24 घंटे का टाइम दिया था और तू पैसे देने के बजाय मेरे ही खिलाफ प्लानिंग करने लगा है? तेरी तो पापा जी को फोन करेगा, मेरी कंप्लेन करेगा तू। पाजी प्लीज मुझे माफ कर दो पाजी,
पाजी आप जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगा। मतलब जो मैं कहूंगा वो तू करेगा? हाँ पाजी। और जो ना किया तो? पाजी फिर आपको जो भी अच्छा लगे मेरे साथ कर लो। ठीक है, खड़ा हो जा, हाथ ऊपर उठा, अब उड़ के दिखा। पाजी मैं कैसे उड़ सकता हूँ जी? क्यों, तेरे परगीले हैं क्या? मेरा मतलब है पाजी, ये काम तो आपके जैसा महान और शक्तिशाली बंदा भी नहीं कर सकता जी। मक्खन ना लगा कंजरा, मुझे अच्छा नहीं लगता, उड़ के दिखा। पाजी चल जल्दी कर। पाजी कोई ऐसा काम कहो जो आपको भी आता हो। अच्छा, तो अब तू मेरी बराबरी करेगा? ना जी। ठीक है, एक काम कर, मेरी जलंधर वाली बुआ का नाम बता। बुआ? पाजी आपकी बुआ का नाम मुझे कैसे पता होगा जी? पर मुझे तो पता है, आप तेरी लाइफ लाइन है खत्म। पाजी लाइफ लाइन जी? तुझे पता है मेरी जलंधर वाली बुआ का नाम? तो अपनी चोंच बंद रखा कर। मार दिया है। ओए गलती से चल गई गोली, कोई इसे चुप तो कराओ। अब मैं नहीं बचूंगा। उतरी गोली माँ। ओए ओए चुप हो जा। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? किधर हो आप? काम पे। घर कब आओगे? अब पम्मी जी मुझे जरा टाइम लगेगा, एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ। बाकी का कल कर लेना। मर्डर है पम्मी जी, मर्डर। कोई घर पे कढ़ाई का काम नहीं कर रहा है कि 3 पीस आज कर लिया, बाकी का कल करेंगे। जरा मरने वाले का ख्याल तो करो, कल तक कैसे वेट करेगा बेचारा। मैं यहाँ सवेरे से खाली पेट तुम्हारी लंबी उम्र का स्यापा करे जा रही हूँ, उसका तो ख्याल ही नहीं है तुम्हें। सो स्वीट पम्मी जी, आप बोल नहीं कहाँ देते हो। और मुझे अच्छी तरह से याद है आज कौन सा त्योहार है। यार 2 मिनट चुप नहीं रह सकता तू? गोली लगी है, कोई आफत तो नहीं आ गई? और मिसेस के साथ बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो मैनर रखो। हाँ जी, आज भाभी जी के बहुत फोन आ रहे हैं, कुछ खास बात है आज। लगता है बर्थडे होगा आज भाभी जी का। सच्ची? सुनो, तुम्हारी राइट जेब में सामान की लिस्ट रखी है, आते वक्त लेके आना। पर पम्मी जी सामान तो बांकेलाल भी ला सकता है। आए हाय 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 हाय, ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है या बांकेलाल के लिए? कान खोल के सुनो, आते वक्त मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आना, वरना बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। हाँ। ओके बाय। पाजी आपने बताया क्यों नहीं, आज भाभी जी का हैप्पी बर्थडे है। क्यों, तुझे क्या भाभी की नजर उतारनी है? आपने बताया नहीं। हंस रहा है। और तुझे क्या हो गया है? मैंने सुना था शहर का सबसे बड़ा डॉन, खूंखार, खतरनाक उपिंदर सिंह अपनी औरत से डरता है, पर आज पता चल गया कि ये अपनी बीवी से डरता है। चोरू का गुलाम। नहीं नहीं, चोरू का गुलाम, चोरू का गुलाम। भूपेंद्र सिंह के साथ मजाक। सो स्वीट। बहुत भारी है लाश, पता नहीं शायद लोहे के परांठे खाता था। ओए कोई सुनसान जगह देख के इसके ठिकाने लगा दो, समझे? ठीक है बॉस। याद से भूलना मत। नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे। चल भाई। ये जनरल की लाश ठिकाने लगाने के लिए भैया, भूलना नहीं। नहीं ये तो नहीं भूलूंगा, पर इसके पहले जो गांठ मारी थी वो अपन ने किस लिए मारी थी? ये भी नहीं याद तुम्हें? नहीं। ये थी, ये थी। हेलो, हाय 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 हाय, जी कहता है बोर्ड उखाड़ के घर ले जाऊं। इतने दिन बाद कोई जेंटलमैन लेडी भूपिंदर सिंह को पसंद आई है, और मिलने का कोई बहाना नहीं बन रहा है। यार टिम्मी के बच्चे की शादी भी नहीं हो रही जल्दी। दीपू, और टिम्मी के बच्चे का ब्याह कब है? जी 21 तारीख को। ओए ओए रुकवे,
चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी तूने कदर ना जानी। हाय हाय पूरा मेकअप भी नहीं करने देते। आती हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू यू। ये क्या है? अब फूल लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये फूल मैं क्या तुम्हारी फोटो पे चढ़ाऊंगी? कोई ढंग की चीज ले आते। ओ लाया हूँ मालकिन मेरी हीरी है। ये देखो टिंडे लेके आया हूँ, भिंडी लेके आया हूँ, करेले लेके आया हूँ, गोभी लेके आया हूँ। फिटे मुँह तुम्हारे। अरे कोई डायमंड का हार ले आते, कोई सोने के कंगन ले आते, झुमके ले आते। मम्मी जी आपके पास पहले से ही इतने गहने पड़े हैं, अब मेरे खून पसीने की सारी ब्लैक मनी तो आपके ज्वेलरी खरीदने में ही निकल जा रही है। हाय 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 वारी जाऊं तुम्हारी ब्लैक मनी पर। ये सारे गहने मेरे पापा जी ने बॉम्बे से बनवा के भेजे थे। वैसे एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने कब मुझे गहने बनवा कर दिए थे? हाँ बोलो बोलो, अब क्या सांप सूंघे? एक मिनट याद तो करने दीजिए। याद तो तब होगा ना जब कुछ बनवा के दिया होगा। जब मुझे याद नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या याद आएगा? मैंने सोचा था कि आज करवा चौथ है, तुम्हारे साथ स्यापा नहीं करूंगी, पर तुम्हें इज्जत हजम नहीं होती। किधर है, किधर है मेरा हथियार? एक मिनट किधर है? हाँ पम्मी जी, पम्मी जी मेरी बात तो सुनो। पम्मी जी तुम्हारी तो क्या कर रही हो? पम्मी जी तुम्हारी तो ऐसी बच गया। प्यार से मान जाओ, हथियार वापस कर दो, नहीं तो पापा जी को फोन कर दूंगी। अरे यार बुड्ढा भी ना। क्या कहा? पम्मी जी मैं तो मजाक कर रहा था। पापा जी को फोन करने की क्या जरूरत है, इस उम्र में अच्छे लगेंगे झाड़ू लगाते हैं। ले लो अब झाड़ू ले लो, जितना मारना है मार लो, बस इतना बता दो कि झाड़ू के अलावा और क्या बनाए खाने में, बहुत भूख लगी है। यार मुझे इतने दिन हो गए पैसे मांगते हुए, तू पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाई मैं दे दूंगा यार तेरे पैसे, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? अरे भाई जी मेरे डैडी ने गांव से दिल्ली आकर जब काम शुरू किया था ना ऑर्केस्ट्रा का। हाँ तो गुप्ता साउंड वालों को जानते हो ना आप? हाँ। जानते हो ना, उनका तब का उधार बाकी है। तब का? हाँ आज 25 साल हो गए उनको मांगते हुए बेचारों को, मैं कहीं भागा हूँ? है जी अब 1 साल पुराना आपका उधार है, ऐसे ही रोते रहते हो आप। अब तू कहानियां मत सुना, मेरे पैसे वापस कर दे, समझा? भाई जी पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप ऐसे करो ऑफिस आ जाओ मेरे, आप आओ तो सही, आप ऑफिस आओ, 10,000 की सीढ़ी पड़ी है मेरे पास, वो ले जाओ। अरे रहने दे, कोई लाख रुपए देगा तो भी तेरी सीढ़ी नहीं लूंगा। ब्याह शादी तो क्या, मैयत में भी बजाने लायक नहीं तेरे गाने। अरे तू किराए पे टेम्पो देने वाले, तेरे को म्यूजिक की क्या समझ? क्या बहुत नहीं, मैंने तेरा उधार देना इसका मतलब ये नहीं है कि जो तेरे मुंह में आए वो बोलता रहेगा। अरे चुप कर, आया बहुत। मेरा एक बार प्रोग्राम चल जाने थे, तेरी दुकान पर आके तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा पैसे, बदतमीज। हाँ जी आप देख लो। अरे बाबा जी आपका ध्यान नहीं है मेरे काम में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ आप बहुत महान हो, आपने बड़े बड़े काम किए अपनी लाइफ में। नहीं मैं कब तक सिर्फ आपकी रेपुटेशन के लिए आपका अरदास करता रहूँ? अरे करो कुछ महाराज, मेरा कुछ करो। हेलो डिस्को सिंह पहाड़गंज में वर्ल्ड फेमस ऑर्केस्ट्रा प्रोपराइटर लाटू सिंह स्पीकिंग। हाँ जी बताइए, इमरजेंसी? हाँ तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम अभी आ जाते हैं। अरे प्रभु आप टेंशन छोड़ दो। अरे बाबा जी मेरे मुर्शिद जानते हैं, आईसीयू में पड़ी 75 साल की बुढ़िया को नचाया, आपकी मॉडल क्या चीज है? वैसे कौन सी मॉडल आ रही है? मैं सपना देख रहा हूँ पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओ स्वीटू जी। ए लाटू क्या हुआ, शुरू कर। शुरू करो। वो कल फूट के स्वीटू जी हाँ कह गई, मेरा सब कुछ लुट के ही ले गई। कल फूट के स्वीटू जी हाँ कह गई, मेरा सब कुछ लुट के
करूं, दिल करता दिल तुझे गिफ्ट करूं, तेरे लक पे नजर टिकी रह गई। छू के स्वीटी जी ये कह गई, हाय मेरा दिल ले गई। हेलो स्वीटी जी, माई सेल्फ भूपिंदर सिंह भूपी। हेलो। मेरे बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, मुझे शहर का किंग कहते हैं। 2 MP, 13 MLA, 17 councillor, 4 SP, सारे मेरे ही अंदर काम करते हैं। 7 मंत्रियों के साथ तो मेरी फोटो भी है। मैंने टिम्मी से कहा कि भाई देखो, पैसे चाहे जितने भी लगे मैं दे दूंगा, पर स्वीटी जी को इस रिसेप्शन पे तो बुलाना ही पड़ेगा। एक मिनट भूपेंद्र जी। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई, मुझे टिम्मी जी की सिस्टर जो काउंसलर है ना, उनका फोन आया था। उनका मुझ पर बहुत एहसान है, मैं इसलिए यहाँ आ गई, नहीं तो मैं ऐसे शादी ब्याह में डांस नहीं करती। नहीं नहीं, मुझे पता है आप जैसी जेंटलमैन लेडीज पैसे के लिए थोड़ी ना नाचेंगी। मैं भी किसी शादी वादी में नहीं जानता, उल्टा सीधा खाना पड़ता है, पेट खराब हो जाता है, लेकिन सुना आप आ रही हैं तो इसलिए मैं भी आ गया। स्वीटी जी, मैं ना कलाकारों से बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत दिनों के बाद मुझे कोई कलाकार इतना पसंद आया है। थैंक यू की कोई बात नहीं है जी, ये तो हमारे लिए घर वाली बात है कि नहीं? अरे मेरा मतलब है कि अब तो फ्रेंडशिप हो गई है, तो फ्रेंडशिप के बीच ये थैंक यू और सॉरी की तो कोई जगह ही नहीं जी, सिर्फ प्यार ही होता है। आपको पता है आपका बहुत बड़ा बोर्ड एक मेरे घर के पास लगा है, और पिछले 6 महीने से मैं वहाँ रोज जाके उसे अच्छी तरह से देखता हूँ। इतने सुंदर लगते हो आप कि जी करता है पोस्टर उठा के अपने घर ही ले जाऊं। Excuse me, I have to go. ना, मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं, भूपेंद्र जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी, मेरे पास कार है। ना, अकेले जाने का तो जमाना ही नहीं जी, आप मेरे साथ चलो। भूपेंद्र जी सुनिए, 1 मिनट स्वीटी जी। स्वीटी जी, अरे ये कहां से आ गई? हां हेलो पम्मी जी, ऑटोग्राफ लाटू ले पकड़ अपनी टोपी, मैं तेरा ऑर्केस्ट्रा छोड़ रहा हूँ। क्यों? 4 महीने हो गए, तू तनख्वाह तो दिया नहीं है, मैं कब तक शादियों में फ्रूट और अचार खाते रहूंगा? मुझे ना कैटरिंग वाले ने नौकरी दे दी है। ये ले पकड़, मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा देता हूँ। ये तेरा बाजा पकड़ तू। नमस्ते, अपने पैसे बढ़ा ले, भूखा मरेगा। स्वीटी जी उसने कहा कि मेरे साथ ब्याह कर ले। तूने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा सुनिए, क्या हाल है? मेरा रास्ता छोड़ो। ओए छोड़ देंगे मैडम, पहले थोड़ी जान पहचान तो हो जाए। मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है मेरे डैडी कौन है। जो भी हो, हमको कौन सा रिश्ता बनाना है, हमको तो बस मजा ही लूट ले।
प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। एक मिनट मैडम। हेलो भाई साहब। हेलो, क्या बात है बे, कौन है तू? भाई साहब मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ, प्रोग्राम करता हूँ शादी ब्याह में। ये मेरा कार्ड है, कोई प्रोग्राम हुआ तो मुझे कॉल करना। डिस्को सिंह। क्या बे तू यहाँ पीआर करने आया है? भाई साहब मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, आगे से आप मिल गए मुझे। देखिए भगवान की तरफ से मेल होते हैं। विनती कर रहा हूँ भाई साहब, लड़की को जाने दो। जो ना जाने दे तो फिर क्या करेगा बे, बोल। तो फिर मैं शोर मचाऊंगा। पुलिस 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 बचाओ, पुलिस 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 पुलिस। इससे अच्छा तो मैं चिल्ला रही थी, आप कुछ और करो प्लीज। अब जो भी करेंगे हम करेंगे मैडम। ये क्या करेगा झुंझुना बजाने वाला? भाजी क्या बोला आपने मुझे? झुंझुना। तुम मुझे कीबोर्ड भी तो बोल सकते थे इज्जत के साथ। क्यों झुंझुना बोलने पे तकलीफ होती है झुंझुने? तकलीफ तो अब तुम सबको होने वाली है। मुझे इतना बता दो बस कि बाई चांस आपने मेरी सीढ़ी तो नहीं खरीदी कहीं? हमारा दिमाग खराब है क्या बे? रॉन्ग आंसर। सयाने कहते रहते हैं ना, जब किस्मत हो फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटे का दुद्दू। अब मैं बताता हूँ कि झुंझुना कैसे बचता है। एक मिनट। और बताऊं तुझे मैं? अरे भागो ना भागो बापू, भागो। बताओ झुंझुना कैसे बचता है? भाग गए जी। थैंक यू सो मच। चलो ये तो मेरा फर्ज था। प्लीज मुझे ये कहकर बोर मत करो कि ये तुम्हारा फर्ज है। बहुत ही पुराना डायलॉग है, 500 फिल्मों में देखा है मैंने। तो और क्या बोलूं? ये फर्ज वाली बात छोड़कर कुछ भी। आप रात को मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों निकले हो? वो एक्चुअली ना मैं फिल्म देख के आ रही थी और वहाँ मेरी कार खराब हो गई। मैं यहीं रहती हूँ हॉस्टल में, तो सोचा वॉक करके चली जाती हूँ। तो ये देखो इसी बहाने आज आप जैसे हीरो से मुलाकात हो गई। नहीं मैं वैसे कोई हीरो वीरो नहीं। मैं Are you kidding me? जिस तरह से आपने उन्हें मारा है किसी सुपर हीरो ने भी नहीं मारा होगा। मैं तो फैन हो गई आपकी और आपके इस झुंझुने की। वैसे मैं किसी को फूंक नहीं मार सकता जी, ये मेरे झुंझुने मार सकते हैं जी। इनको बोलो थैंक यू। तो बस मैं आपको छोड़ दूं गई। आज बाय द वे आई एम प्रिया एंड यू? जी मैं लाटू। व्हाट लाटू? आई मीन काफी अलग नाम है ना। एक्चुअली जब मेरा नाम रखा गया था ना, हम गांव में रहते थे तब। आपको पता गांव में लाइट तो होती नहीं, और जब मैं हुआ तो लाइट भी आ गई और हर जगह लाटू ही लाटू लग गए। बस फिर बेबे ने मेरा नाम रख दिया लाटू। ओके। आप काम क्या करते हो? मेरे मुर्शिद जानते हैं जी, मेरा अपना ऑर्केस्ट्रा है डिस्को सिंह पहाड़गंज में, वर्ल्ड फेमस। किसी की बर्थडे पार्टी हुए, शादी ब्याह हुए, या किसी बड़े बूढ़े के एंड पे कीर्तन हुए, हम अपना ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर लेकर पहुँच जाते हैं। एंड पे मतलब? इन मतलब दी एंड। तिड़दा तिड़दा तुम। ओ तू तक तू तक तू तक तूतियां हाय जमा लो। हेलो पापा जी, बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल पापा जी। पैरी पढ़ना है पापा जी। ओए भूपी किधर है तू? पापा जी इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता जी। भूपी मैं सोचता मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरी एक आंख तेरे पास है, मुझे सब कुछ नजर आता है। आपको नहीं लगता कि कुछ बातों में ससुर और दामाद के बीच थोड़ा पर्दा होना चाहिए? तेरी ये बच्चों जैसी बात है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे कोई भी काम दो तू संभाल ही नहीं पाता है। मैंने तुझे जर्नल के सिर्फ हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था, मारने के लिए थोड़े बोला था मूर्ख। पापा जी आपको किसने कहा कि मैंने जर्नल को मार दिया? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुझे। पम्मी के कारण मैं लिहाज कर रहा हूँ तेरा। अगर मैं तुझे शहर का डॉन बना सकता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। अब सॉरी पापा जी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, प्रॉमिस। पम्मी जी की सौगंध। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी की झूठी कसम मत खा। पापा जी मैंने अभी अभी ब्रश किया है, मेरी जबान एकदम साफ है, आप गलत समझ रहे हो जी। तेरी जबान भी गंदी है, तेरी नीयत भी।
फिर इन करतूतों का पता मेरी बेटी को नहीं लगना चाहिए। अगर पम्मी को पता चलेगा तो उसको बहुत दुख होगा। अगर उसको दुख हुआ तो तुझे कहाँ कहाँ दुख होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। समझ गया? समझ गया जी। रख फोन। ठीक है। इस बुड्ढे को पता नहीं कैसे पता चल जाता मेरी हर बात का, समझ नहीं आता। ओए, अरे फोटो छप गई अखबार में, मशहूर डॉन भूपिंदर सिंह उर्फ पाजी का मॉडल के साथ चक्कर। पम्मी जी, पम्मी जी, पम्मी जी, पम्मी जी, क्या है, क्या रोना लगा रखा है सवेरे सवेरे? सो स्वीट। पम्मी जी, सवेरे सवेरे आप ये अखबार क्यों देख रही हैं? छोड़ो इसे, मेरी आंखों में झांकी, कितना प्यार है आपके लिए। सवेरे सवेरे ऐसा बकवास पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। इधर लाओ, पेपर पढ़ना है मुझे। अब फोटो में, अब पम्मी जी एक मिनट, एक मिनट। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सो स्वीट, फट गया। सत्यानाश हो तुम्हारा। बाके, आया बेबी जी, मेरे हथियार तो लेके आओ, तुम्हारे सांप को डोज देनी पड़ेगी मुझे। हाँ जी बेबी जी, 147 या 156? ओ नहीं, ओ झाड़ू लेके आ। इतने साल हो गए, इसे तो ये भी नहीं पता। पता तो तुम्हें लगेगा, एक मिनट रुको बस। आई एम रेडी पम्मी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी, आज तो आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। क्यों भाभी जी, आपको बताया नहीं पाजी ने, इनकी बहुत बड़ी फोटो छपी आज अखबार में। क्या इनकी फोटो? हाँ जी? और नहीं तो क्या, देखो तो सही, फोटो में कितने स्लिम लग रहे हैं सर जी। ओए, वो क्या बकवास कर रहा है, दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। अल्लाह, ये पेपर ला मेरे। एक मिनट। ओपा बीजी, एक मिनट, तू पढ़ के सुना मुझे। पाजी, इसमें शर्माने की क्या बात है, अखबार में तो बड़े लोगों की ही फोटो छपती है। ये देखो क्या लिखा है अखबार में, अपने आप को शहर का किंग कहने वाले डॉन पाजी कल रात को रिसेप्शन पार्टी में आई एक मशहूर मॉडल स्वीटी के साथ देर रात तक छेड़छाड़ करते रहे। भूपिंदर सिंह को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉडल स्वीटी को पहले से ही जानते हो। पर पाजी, उन्होंने तो मेंशन ही नहीं किया कि स्वीटी को बुलाने के लिए पैसे भी तो आप ही ने दिए थे। ये पढ़ ले, इसके अंदर मेंशन है। तू मुझे दिखा। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, तुमने मुझे धोखा दिया। पम्मी जी, ये सब कुछ भी नहीं है, वो अखबार वाले तो ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे क्या, ये अखबार वाले क्या झूठे हैं? ये फोटो झूठी है, पंजाबी जागरण वाले कभी झूठ नहीं लिखते। अब मुझे पता चला, अब पता चला कि तुमने अखबार क्यों फाड़ा, धोखे पास गद्दार। भाभी जी प्लीज, प्लीज रोइए मत, मैं हूँ। दूर हट और पीछे हट, पहला है भाभी का चमचा। देख पम्मी, तुम भी दूर हटो। 20 साल में कभी मुझे 4 बार बाहर घुमाने नहीं लेके गए, तुम उस मेरी सौतन को पार्टियों में लेके घूमते हो। मैं किसी काम की नहीं रही। आपकी बेटी संग धोखा हो गया पापा जी। पापा जी नहीं, पापा जी नहीं, मैं अभी पापा जी को फोन करके तुम्हारी करतूत बताती हूँ। नहीं पम्मी जी नहीं, पापा जी को फोन मत करो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी, इस लड़की को तो पहले मैंने कभी देखा ही नहीं जी, पहली बार मैं इसे टिम्मी के लड़के के रिसेप्शन पर ही मिला हूँ। ये लड़की तो पापा जी का नंबर नहीं मिल रहा। ये लड़की तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। बॉयफ्रेंड? ये देखो ये लड़का है, यही उसका बॉयफ्रेंड है, देखो कितने प्यार से देख रहा है। पम्मी जी, पम्मी, मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जी, बात सिर्फ इतनी है कि टिम्मी के पास मौके पे पैसे ही खत्म हो गए जी, तो दोस्त होने के नाते मैं बस हेल्प कर दी जी, तो फिर ये मैडम और इसका बॉयफ्रेंड मुझे थैंक यू कहने चले आए, तो किसी कंजर ने हमारी फोटो ले ली। अब तू ही बता, मैं बेचारा तो बस भलाई के चक्कर में मारा गया ना। तुम सच बोल रहे हो ना? ब्लैक मनी की सौगंध। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, मैं सच का पता लगा के रहूंगी, मैं बात की जड़ तक जाऊंगी। अगर तुम झूठे निकले ना, तो अपने पुराने सारे करवा चौथ कैंसिल करके खुशी खुशी विधवा हो जाऊंगी। याद रखना, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। पब्बे,
गुड मॉर्निंग सर। हाजी सर, हाजी सर, डॉक्टर हमें दवाई देता था, हम खाना भूल जाते थे। तूने भाभी जी को ये बताया नहीं कि कितनी बड़ी तस्वीर छपी है अखबार में? नहीं नहीं क्यों? नहीं, 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 नहीं। अब मैं कैसे निकलूं इस झमेले से? आज नहीं तो कल पम्मी जी को इस सच्चाई का पता लग ही जाना है। साली कुत्ती जिंदगी इनकी वजह से। एक तरीका है। ओ 31-32 31-32 नहीं 21-22 तेरी तो आज ना तू रहेगा ना तेरी। हेलो स्वीटी जी। ओफो भैया, बड़ी बदबू आ रही है। हमने गाड़ी कब वॉश करवाई थी? अरे यार, मुझे अपना याद नहीं आ रहा। मैं सुबह नहाया था कि नहीं, और तू गाड़ी की बात कर रहा है? ओहो, फिर तो तुम्हारे से आ रही है। मत कर यार, देख नहीं रहा गाड़ी कहाँ लगाई है? यहीं कहीं से आ रही होगी। छी, यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। आ जा अब, जल्दी कर। आ गया। जल्दी कर। हाँ, यही है 513। आ जा। यहीं कहीं होगा। हेलो, कोई है? हाँ जी बोलो। डिस्को सिंह वाले लाठू जी आप ही हैं? हाँ जी। एक मिनट हाँ। थोड़ी गर्दन टेढ़ी करो। हाँ? हाथ ऐसे करो जैसे झुंझुना पकड़ा हो हाथ में। हल्की स्माइल। थोड़ा सा इधर घूमना। बस 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 बस। पक्का लाटू ही है। आप कौन हो? इस शहर के सबसे बड़े डॉन पाजी भूपेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने? डॉन? हाँ। नहीं, क्यों? उन्होंने बुलाया तुझे किसी प्रोग्राम के लिए? नहीं, बैंड बजवाने। बैंड बजवाना है? हाँ। ये क्या है? बस गिफ्ट है, एक सरप्राइज। सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल बिल्कुल। इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे स्मेल करो प्लीज। क्यों? आपको बहुत अच्छा लगेगा। परफ्यूम है? फ्री? शाबाश, वेरी नाइस। क्या बात है। तो आपने क्या फैसला किया स्वीटी जी? तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं डरती तुम जैसे बदमाशों से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आके मुझे धमकाने की? वेट, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। देखना कैसे 2 मिनट में तुम्हारी सारी बदमाशी जाती है। ओ हाँ स्वीटी जी, आप कुछ कह रही थी। रख। ये क्या है? अपन कहीं आटा लेके जा रहे थे। आटा? हाँ, देखता हूँ। ओहो, एक मिनट। लाश भैया, लाश। इसी की बदबू आ रही होगी। पर हमारी डिक्की में किसने रख दिया? लगता है यार कोई रख रो के भूल गया होगा। और कोई ब्लूटूथ से थोड़ी पहुंचेगी यहाँ पर। एक काम कर, रुमाल निकाल और याद कर। रुमाल। एक मिनट संभालना जरा। ये 2 नोट्स है। एक तो थी,
इसको किडनैप करने की, ये दूसरी नोट किस बात की है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, इस लाश की शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। चुप, हर जगह जान पहचान निकालने लग जाता है, सबसे जान पहचान निकालना जरूरी है क्या? रख इसे इसको ऊपर। ये लो पाजी, ढूंढ लिया आपके शेरों ने। ओए बहन के टको, ये तो जर्नैल है। जर्नैल नहीं पाजी, जर्नैल है। अरे जर्नैल है, जर्नैल है। मैंने कहा था ना भैया, लाश की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, है ना? वो कहाँ है जिसे लाने के लिए भेजा था? कौन पाजी? एक मिनट, क्या आप पिस्तौल ढूंढ रहे हो? इस साइड है शायद। तुम्हारी पाजी, पाजी, गोली ले प्लीज। ओए अपने फूफे को तो लेते जाओ। लाश बहुत भारी है यार, पता नहीं कौन से लोहे के परांठे खाता था। यार ये बात तो मैंने पहले भी बोली लगता है, पर मैंने तो पहली बार सुनी है। अच्छा एक मिनट, फोन है। हेलो, बॉस बोल रहा हूँ। पाजी ये कौन से नंबर से बोल रहे हो? तुझे मेरे नंबर का टैटू बनाना है? कहाँ तू? पाजी आपने खुद ही तो लाटू को लेने भेजा है। लाटू कौन? लाटू वही बैंड मास्टर जी। पाजी भी कमाल करते हैं यार, एक मिनट भी सबर नहीं करते। चल रख इसे अंदर। सर प्लीज, सर प्लीज, सॉरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सर आप प्लीज क्यों बोल रहे हो? प्लीज तो मैं बोलूंगा ना। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज। सर प्लीज भी मैं बोलूंगा, सॉरी भी मैं बोलूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो बोलूंगा सर, प्लीज। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर, सर मुझसे गलती हो गई सर, मेरी जान मत लेना सर, प्लीज सर, सर प्लीज। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मैं तेरे बॉस के साथ बात कर रहा हूँ, तू बीच में आ रहा है। सर ये कैसे बंदे रखे आप ही बताओ, इनको कोई मैनेज नहीं है। पेट देखो लाइक एलिफेंट। बॉस सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली जो किस्मत हो फुद्दू तो क्या करेगा, बॉर्नू बेटे का दुद्दू। सर कितने सोने हो सर, आप शहरी मान से भी ज्यादा सोने हो सर। सर वैसे आपकी शक्ल जानी पहचानी लगती है, पर मैं तो नहीं जानता ना आपको, इसीलिए मुझसे गलती होगी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। अबे बंद कर अपना मुंह, तुझे मारने के लिए नहीं उठाया, ऐसी समाज सेवा नहीं करते हम। नाम क्या है तेरा? सर माई सेल्फ लाटू सिंह, एज 25, क्वालिफिकेशन प्लस 2, सर सिंगिंग एंड डांसिंग माय हॉबी सर, माय एम इज माय लाइफ। बस बस बस, तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, काम है एक तेरे लिए। पर सर मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया सर, मेरे मुर्शिद जाते हैं, हमारा अपना ऑर्केस्ट्रा है, हम शादी ब्याह में प्रोग्राम करते हैं। अब तू चुप होके सुनेगा या मैं तुझे चुप कराऊं? हाँ कमाल है, धमकी दिए बगैर कोई बात ही नहीं सुनता। यस बॉस, दिस जनरेशन आई टेल यू ही इज नॉट, यू डोंट टेल मी। देख भाई बेटा एक काम है छोटा सा जो तुझे करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी तुझे, बस कुछ दिनों के लिए एक लड़की के साथ घूमना फिरना पड़ेगा, मतलब उसका बॉयफ्रेंड बनके रहना पड़ेगा। हाँ बोलो। लड़की का बॉयफ्रेंड? सर मैं? और नहीं तो क्या मैं? सर पैसे कितने देने पड़ेंगे? मेरे पास तो 250 रुपया ये बैंक में। सो स्वीट। ओ बेटा तुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि इस काम के तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, समझा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और काम खत्म होने के बाद घर और गाड़ी तेरी। कार और घर मेरा? कार और घर मेरा। अच्छा बहुत बेवकूफ रहा है यार मेरा आप सबने। सेट सुनो, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है एमटीवी पकड़ो। अबे तूने फिर से उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, नहीं छोड़ दे भालू सा। अरे वो कौन सा बंदा होगा जो किसी को बोलेगा कि लड़की का बॉयफ्रेंड बनो, ऊपर से पैसे भी देगा मुझे इस बात के? कोई बेवकूफ गधा घोंचू बंदर ही होगा। किसने बोला तुझे मेरे बारे में? किंदे ने की कह रहे ने? कैमरा कहाँ छुपाया है? अरे कैमरा कहाँ छुपाया है? कहीं ये टम्मी में तो नहीं छुपा लिया कैमरा? अरे ये गन देखो, ये बालू डाउन बनता फिर रहा है।
डिस्को दीवाने सर सॉरी सॉरी भाई साहब हाँ भाई तो फिर मैं तेरी तरफ से हाँ समझू वेरी गुड तो चलो फिर चल के इंतजार करो मैं बताऊंगा कब करनी है एक्टिंग ले जाओ भाई इन्हें बंगले पे दे दो चाबियां ले भाई ये है तेरा बंगला और वो खड़ी है तेरी कार और ये रही इनकी चाबियां अब तू इधर ही रहेगा और पाजी के ऑर्डर का वेट करेगा ओके अब हम चलते हैं आ भाई बाय 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 चिकने अबे आ जा अब कार और चलो भैया कार और घर मेरा समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो फिर पूछो ना जो पूछना चाह रहे हो पूछो आपके कहने का मतलब है कि आपको शक है कि आपके पति का किसी के साथ चक्कर है तुम मुझे डांट क्यों रहे हो डांट नहीं रहा ये मेरा स्टाइल है अच्छा 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 अब ये बताओ कि आप अपने पति की जासूसी करवाना चाहती हो हाँ जी तो फिर आप प्रद्युमन को ये बताओ कौन प्रद्युमन शर्मा यानी मैं तो फिर ये बताओ कि आपके घर वाले को इससे पहले भी किसी लड़के में इंटरेस्ट था नहीं तो आप ये कैसे कह सकती हो कि ये लड़का आपके और आपके घर वाले के बीच आ गया है लड़का नहीं आ रहा ये लड़की आ रही है लड़की आ रही है फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़का है कौन यही तो तुम्हें पता लगाना है ये मुझे पता लगाना है बस एक बात का ध्यान रखना मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो वो चौकन्ने हो जाएंगे ना चोर कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो जाए प्रद्युमन से वो नहीं बच सकता वो जहाँ भी डेट पर जाएंगे प्रद्युमन उन पर नजर रखेगा और उनके फोटो वाले सबूत आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा तब तक के लिए अलविदा है आखिर मंदोमन शर्मा से कोई बच नहीं सकता शक्ल से ही बेवकूफ लगता है भाई साहब इनके साथ अब फोटो में कोई जूही चावला तो है नहीं पाजी जूही नहीं जूही अबे तू क्या उसका खसम लगता है बड़ा जूही नहीं जूही चावले पाजी मतलब ये मान जाएंगे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ये मेरी खास फ्रेंड है मुझे मना नहीं कर सकती पापा जी मुझे पता है ये सपना है पर प्लीज सपना तोड़ियो ना कंटिन्यू रखियो अबे ये क्या बकवास किया जा रहा है नहीं कुछ नहीं भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जो मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह से समझ ले कल से तेरा ड्रामा शुरू तू उसके साथ साथ रहेगा उसको बाहर लेके जाना है घुमाना फिराना है ताकि जासूस तुम्हारी फोटो खींच सके पाजी जासूस पता है जासूस मुझे यकीन नहीं हो रहा यार Oh my gosh, मैं और स्वीटी जी बड़ा मजा आएगा मजा आएगा एक जरूरी बात कोई होशियारी मत करना स्वीटी जी के साथ कोई उनके बहुत नजदीक जाए मुझे पसंद नहीं इसलिए कट टू कट 4 फुट का कम से कम फासला होना चाहिए तुम लोगों के बीच समझ गया हाँ जी भाई ध्यान रखूंगा भाई
पर अगर बाई चांस गलती से फासला 3 फुट 11 इंच हो गया फिर तो फिर तो तू भी कट पिट कर उतना ही हो जाएगा बेटा, 3 फुट 11 इंच, समझा? हाँ जी। सही है, चल तितर हो जा, कल से काम शुरू कर दे। हाँ जी ठीक है। स्वीटी जी, वेलकम। स्वीटी जी वेलकम। स्वीटी जी हेलो। हेलो, मायसेल्फ लाटू। लाटू? थोड़ा अजीब है ना, एक्चुअली जब मेरा नाम रखा था ना, हम गांव में रहते थे, हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, मेरी बेबी ने सोचा चले जहां भी जाना है। हाँ जी थैंक्स। ओ माय गॉड, एक मिनट। ओ स्वीटी जी उतरो। व्हाट, आखिर चल क्या रहा है? I'm so sorry, स्वीटी जी। भाई साहब ने बोला कि हमारे बीच में 4 फुट का फासला होना चाहिए। आप पीछे बैठो। I'm so sorry, आप पीछे बैठो। Rubbish is this, यार। Nonsense। काफी लंबे हो आप, हैं? आप बैठिए। स्वीटी ये पकड़ना। नहीं तो ये कर क्या रहा है? पकड़ तो लो। चलो 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 चलो, जाने दो जाने दो जाने दो। स्वीटी जी थोड़ा सा लेफ्ट, अब ठीक है। 4 फुट का फासला, छोड़ दो ना। चले प्लीज। ओके, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, कॉज रोड गाना बम्पी। शट अप, लेट्स गो। थोड़ा साइड हो जाओ। सर आई रिपीट, 2 टिकट्स फॉर जट दी टिड्डी जटनी निधि, राइट सर? हाँ जी सर। सेंटर की टिकट्स दे दूं या फिर कॉर्नर वाली? कहीं का भी दे दे, पर दोनों सीटों के बीच में 4 फुट का फासला होना चाहिए। सॉरी सर, वो क्या बात है, बहुत गेस्ट आए हुए थे इसीलिए ना। हाँ, ये पॉपकॉर्न जरा उधर पास कर देना। कोई गल नहीं, मेरे फ्रेंड आए कई साल बाद, सारा दिन उन्होंने ना ही लगा। ओहो, तू उसके पास जाकर क्यों नहीं बैठ जाता, हम लोग सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं मैं यहीं पे टिकूं। चांदनी रात हो गई। क्या और बता, चल यार हम यहाँ से चलते, पता नहीं कहाँ से आ बैठो। भाई साहब बताने के लिए बोल रही है, मैं तेरे प्यार लिए कुछ भी कर सकता, तेरे बापू दी हलवाई दी हड्डी तो मठियाई खाका के शुगर भी करा सकता, ते पुजिया खाका के एसिडिटी भी। बस तू एक बारी मैनू हाँ कर दे, मैं सारी जिंदगी तेरा कुत्ता बन के रहूंगा। बाऊ 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 बाऊ, बस कर।
लिया करके ऊपर से मैचिंग सूट पा लिया। ओए ओए वो देख वो अकेली आज। चल आजा 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 चल। एक्सक्यूज मी मैम, आज कौन बचाएगा तुझे? आज तो वो झुंझुना भी है नहीं। फिर झुंझुना? तू मुझे पीपनी भी तो बोल सकता था इज्जत के साथ। जोर से लग गई। अरे ठीक है तू। ओए अब बजाऊंगा मैं तेरी पीपरी। बाजी, 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 मुझे माफ कर दो बाजी, बाजी, बाजी नहीं, 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 बाजी नहीं, 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 बाजी नहीं, नहीं, रुक, तुझे मैं भागो, अबे रुक, नहीं, अरे भागो, कलाकार की बेइज्जती करते हो तुम। गलती हो गई। नहीं नहीं झुंझुना है। नहीं मैं ना अंदर से निकाल दूंगा तीर तेरे। ओ पाजी गलती हो गई जी, आज जाने दो प्लीज, आगे से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। पाजी सच्ची कसम खाते हैं, अब से हम झुंझुने को भी झुंझुना नहीं। दोबारा दिखे ना तुम सारे तीर अंदर डाल दूंगा, याद रखना। चलो निकलो। अरे भाग भाग जल्दी कर, जल्दी दिखना मत दोबारा। अरे निकल लो। अरे थैंक यू सो मच। मुसीबत में फंसने का शौक है या पैसे मिलते हैं? पैसे तो नहीं मिलते बट आप जरूर मिल जाते हो। आपकी किस्मत अच्छी थी मैं यहाँ पे आया हुआ था आज। वाकई मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप मुझे हर मुसीबत से बचा लेते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाता है। फिल्में ज्यादा देखती हो? सारी फिल्में नहीं, सिर्फ एक्शन मूवीज। उसमें ना हीरो हीरो लगते हैं, मर्द जान पे खेल के हीरोइन को बचाते हैं। सुपरमैन मेरी फेवरेट फिल्म है, आपने देखी है? ना जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 ही पिक्चर देखी है, वो भी धार्मिक। हरे रामा हरे कृष्णा, राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम। पता नहीं मेरे घर वालों को कैसे पता चल गया, उन्होंने मेरी फिल्म देखनी बंद करवा दी। यू नो यू आर सो फनी। एक्शन भी, ऊपर से जॉली नेचर, डेडली कॉम्बिनेशन। सबको पता है जी मैं तो फूंक भी नहीं मार सकता, ये तो इस तीर कुमार का काम है, इसी को बोलो थैंक यू। जॉली नेचर। आप ध्यान रखो अपना, आगे से किसी मुसीबत में ना फंस जाना। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है आप आ ही जाओगे मुझे बचाने। प्रद्युमन जो भी देखता है वो सच सबके सामने लेके ही आता है। हाँ। ये देखो कैसा बीता,
स्वीटी और उसके कथित बॉयफ्रेंड का पहला दिन। कल सारा दिन वो दोनों साथ साथ थे, पर फिर भी दूर दूर। दोनों एक साथ फिल्म देखने गए, टिकट खरीदी, पर फिर भी इन दोनों के बीच का फासला दो कुर्सियों का था। अब तो मैडम आप ही फैसला करो कि ये प्यार है या नहीं। पर बेचारा उसे लेके तो गया, शक्ल से भी बुरा नहीं है। ये भूपी तो दोनों ही डिपार्टमेंट में फेल है। प्रद्युमन का तजुर्बा कहता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल नहीं दलिया है। ये प्यार हो ही नहीं सकता। ना तो आंखों में आंखें डाली, ना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ना तो हंस हंस के कोई बात की। उसने तो कोल्ड ड्रिंक भी इतनी दूर दूर से पिलाई। ये तो पेपर में गलती से छप गया होगा। ये तो पक्का कोई झोल लगता है। ये साला तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। उतना बेवकूफ है नहीं जितना लगता है। क्या है साली कुत्ती जिंदगी। अब तो उसका हाथ पकड़ेगा, आंखों में आंखें डालेगा, नहीं तो मैं तेरा झुनझुना बजा दूंगा। भाई साहब प्लीज, झुनझुना नहीं, आप तबला बजा लो। तुझसे पूछा मैंने, तू बस उतना कर जितना कहा जाए, समझा? तबला बजा लो। सॉरी भाई साहब, मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों भाई? आपने बोला था कि हमारे बीच में जितना फासला होगा मैं भी कट कुट के उतना हो जाऊंगा, ऐसे तो मैं छोटू सा हो जाऊंगा। ओ, पहला ऑर्डर कैंसिल, मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। सर क्लियर, आप जैसे बड़े लोग नहीं होते, जान मेरे जैसे गरीबों की चली जाती है। जान तो तुझे पता है, ऐसे भी जानी है। भाई मैं तो देख रहा था कि आपका इरादा कितना पक्का है। फिर क्या देखा? काफी पक्का है। बाकी आप जैसा बोलोगे मैं तो वैसा ही करूंगा। हंस हंस के बातें भी करूंगा, हाथ भी पकड़ूंगा, आंखों में आंखें डालकर इजहारे मोहब्बत। बस 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 कर, बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। साली कुत्ती जिंदगी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं उस मंदोमन शर्मा की। तुम्हें पाजी प्रद्युमन, ओए उसके हिस्से की गोली तो खुद मत खा लेना। पाजी प्रदूषण, पाजी प्रदूषण नहीं प्रद्युमन। ओए तू ऐसे नहीं मानेगा। One espresso with some chocolate sauce. And sir, what would you like to have? Coffee, please. What? Look, I don't have time for all this. तो हमें जो भी ड्रामा करना है जल्दी करते हैं। I wanna go home. स्वीटी जी, मैं आपको टच कर लूं? What? अरे मैं नहीं। अरे मुझे भाई साहब ने बोला ना, मजबूरी है, नहीं तो वो मुझे गोली मार देंगे। क्या मुसीबत है यार। हेलो स्वीटी जी। हेलो। हेलो स्वीटी जी। हेलो। हेलो स्वीटी जी। आगे भी कुछ कहेगा? स्वीटी जी कहने को तो मेरा बहुत कुछ दिल करता है, पता नहीं आज मुझे हेलो में इतना स्वाद क्यों आ रहा है, आगे बढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा। प्लीज माइंड मत करना आप। हेलो स्वीटी जी। किधर फंस गई यार मैं? आई डू नॉट वांट टू टॉक टू दिस। स्वीटी जी आपको जो बोलना है वो बोलो, पर प्लीज मेरी आंखों में आंखें डाल के स्माइल करके बोलो ना। उधर जासूस को शक नहीं होगा ना? ट्रोल मजबूरी है, आप समझ रही हो ना? ओके हाय, ठीक है फिर। यू स्टूपिड इडियट, गधे, डफर, बंदर, खोचू, जैकेस, मोरन, डूशबैग। हाय ओए, आपके मुंह से गालियां भी कितनी अच्छी लगती हैं।
एक बार फिर कहो ना, पर प्लीज थोड़ी सी स्माइल और रखना, अपनी फोटो अच्छी आएगी। योर कॉफी सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। एंड योर कॉफी मैम। स्माइल ना, मोर स्माइल, मोर स्माइल, वी विल स्माइल अ लॉट नाउ। छोड़ी, ये क्या कर रहे हो? स्माइल मत हटाना, फोटो खराब हो जाएगी। स्वीटी, कॉफी बहुत गर्म है, मुझे पता है ये सपना है, पर सपने में भी उंगली चल रही है स्वीटी। आई नो, पर हंसना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल मजबूरी है। स्माइल प्लीज लाटू जी। क्या कहा आपने? स्माइल करो ना लाटू जी। तो खुश क्यों हो रहा है? स्वीटी जी, मेरा नाम आपके होठों से इतना अच्छा लग रहा है ना, एक बार फिर बोल दो लाटू जी, फिर बेशक पूरी बांह डाल देना कॉफी में। गॉड, फोटो खींचने वाला कोई और बंदा भी तो हो सकता है। स्वीटी जी, गॉड का क्या कसूर है? वो लोग बोलते हैं ना, जब किस्मत होए फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुद्दू। इस रेस्टोरेंट का माहौल भी कितना रोमांटिक है, लड़की भी कितनी लकी है, मेरे से तो कम ही सुंदर है, पर लगता है किस्मत में ज्यादा धनी है, तभी तो इतने सुंदर लड़के के साथ घूम रही है। औरतों की तरह बातें मत करो, इस फोटो को देखकर किसी भी आम आदमी को लग सकता है कि इन दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने मौके मिलने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे की पप्पी क्यों नहीं ली। ओ नहीं यार, बैठ के टके, ये नहीं हो सकता। पप्पी? हाँ, पप्पी, मिठे किसी, चुम्मी, गुड मॉर्निंग वाली नहीं, गुड नाइट वाली तो बनती है, शुभ रात्रि चुम्बन। ये पप्पी जरूरी है? बहुत जरूरी है, मॉडर्न जमाना है, जब तक पप्पी नहीं, अरे तब तक प्यार नहीं। किधर फंस गया ना ये बेचारा लाटू इस पागल लड़की के चक्कर में, इसको तो कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी जो इसके प्यार को समझती। हाय, गधा बेवकूफ, उसकी शक्ल पे नहीं लिखा, मेरी शक्ल पे लिखा है। अब लेना है शुभ रात्रि चुम्बन। ऐसा कहने पे मेरी पप्पी प्रसाद में तो नहीं बदल जानी है, मैन का टका। लेकिन दूसरों का दुख कोई नहीं समझता इस देश में, वो अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी किसी और से दिलवाए तो पता चले उसको। सर जी, मैं समझता हूँ आपके दर्द को। तो दूर से नहीं बात कर सकता, मेरा बाप नहीं मरा है भैसा। वैसे पप्पी करनी कब है? ओहो, बड़ी जल्दी है तेरे को। कराऊ पप्पी? अब एक गोली मार के सारी पप्पी खत्म करा दूंगा तेरी। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था आपसे। जो मर्जी हो जाए, आज गोली नहीं लग सकती, कहां से आएगी? अच्छा ये बता, तू कभी किसी को पप्पी किया है? ना जी, कभी नहीं, मैं तो बहुत अनपढ़ हूँ इस मामले में, मुझे कुछ नहीं पता जी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं, कल जब तू स्वीटी को घुमाने ले जाएगा ना, तब तू उनको छोटी सी मामूली सी गुड नाइट पप्पी दे देना। मैं पप्पी? ओ खबरदार, जो कोई होशियारी की तो इस बार सिर्फ अकेले जसूस नहीं, 41-42 भी तेरे पे नजर रखेंगे। 21-22 पाजी। और चुप करो। और तुझे ना एक बहुत ही साफ शरीफ वाली पप्पी करनी है, भाई बहन वाली। भाई साहब, दिल तो मेरा बड़ा शरीफ है, पर मेरी बहन नहीं है कोई, मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं कि ये भाई बहन की पप्पी कैसे होती है। बाकी आप बताओ, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा। ओ यार, मैं कैसे बताऊं, मेरी भी कौन सी बहन है। ले देखे, एक जलंधर वाली बुआ है और मैंने उसे कभी पप्पी नहीं की। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैसे पता चलेगा? नहीं एक्चुअली, पप्पी वाली बात में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप तो मुझे गोली मार दोगे। वो तो है। बस आप ऐसे करते हैं, आप अपने बंदों को बोलो कि पप्पी करके दिखाएं, मुझे बस थोड़ा सा इंट चाहिए बस। हाँ ये बात सही। हाँ, है प्लीज। चलो भाई, कौन करेगा पप्पी? मैं। शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई करके दिखाओ अब। मुझे नहीं यार, चल दूर हट, अब उसे पप्पी कर। पाजी। ओए तू नाना मत कर, पप्पी करके दिखा। नहीं नहीं पाजी, जब आपने मुझे काम पे रखा था जी, अपने बीच में ये बात हुई थी कि मैं आपके लिए सीधे पे गोली खाऊंगा, पर ये बात कभी नहीं हुई थी जी।
कि इसके मुंह से पप्पी भी खानी पड़ेगी। तू पप्पी करेगा या मैं तेरे साथ कुछ और करूं? भाई जी देखो, आपको तो भाई और बहन की पप्पी देखनी है जी, पर ये देखो आपके सामने तो दोनों भाई हैं जी। भैया ये गलत फहमी है आपको। ओ दूर हट। भाई जी प्लीज, आप ऐसे रिश्ते की पवित्रता को भंग मत करो। चला दो गोली, कोई परवाह नहीं, मुझे पता है लगनी तो दरार को ही है। तैयार हो जा फिर। ये किस एरिया में लेके आया है तू? आप आओ तो सही स्वीटी जी। वेलकम, आ जाओ। लाटू तू मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? कौन सी जगह है ये? हमारा ऑफिस है ना डिस्को सिंह का। आ जाओ आ जाओ। वेलकम। हम यहाँ क्यों आए हैं? किसी कैफे या रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? स्वीटी जी आज कुछ स्पेशल करना है, इसलिए थोड़ी प्राइवेट जगह चाहिए थी। प्राइवेट जगह? तूने ये दरवाजा क्यों बंद किया? देख तू मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। ओके, ऐसा कौन सा स्पेशल काम करने को कहा है पाजी ने जो तू मुझे यहाँ लेके आया? स्वीटी जी, आप प्लीज हैव अ चेयर, मैं 2 मिनट में आया। आपको मैं सब बताता हूँ, मुझे प्लीज गलत मत समझना। बैठो, हैव ए सीट। ओए कंजरा, तूने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद किया बे? मैंने तुझे शरीफ पप्पी करने को कहा था। देख अगर तूने कुछ गड़बड़ की ना तो फिर सोच ले मैं तेरा क्या हाल करूंगा। स्वीटी जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पाजी ने क्या करने को कहा है? पाजी ने क्या करने को कहा है? What? किसी वो भूपेंद्र तो एक गुंडा है, पर मुझे लगा था कि तू शायद थोड़ा शरीफ है। बेवकूफ पर शरीफ, पर तू तो उससे भी ज्यादा बेशरम निकला। तुझे लगा कि मजबूरी में ये मेरे साथ घूम फिर रही है, मेरा हाथ पकड़ रही है, हंस के बात भी कर रही है। क्यों ना इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए, है ना? पर मैंने आपका फायदा कब उठाया? तो फिर तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? मैं तो आपको सरप्राइज देने लाया। सरप्राइज? हेलो, मैं लातू सिंह हूँ, मैं तुम्हें पप्पी करूंगा। वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है। पप्पी का सरप्राइज नहीं, मैं तो आपको आपके बर्थडे का सरप्राइज देने लाया था। What? कल आपका बर्थडे है ना, मुझे पता था कि आप पप्पी वाली बात पे कंफर्टेबल नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ले आया। मुझे लगा था कि ऑफिस का गेट बंद करके मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, साथ में वो जसूस को और भाईजी के गुंडों को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, और आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तू झूठ बोल रहा है। मुझे पता है, मुझे आपको देखते ही लारा जैसी हंसी निकल जाती है मेरी, पर मैं क्या करूं, मैं खुशी इतना हो जाता हूं कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। आपको नहीं पता मैं तब से आपका फैन हूं, जब 6 साल 3 महीने 18 दिन 11 घंटे पहले मैंने आपको पहली बार टीवी पर एड में देखा था। मैल निकाले और घिसे भी कम, साबुन लगाओ 307। वो दिन था और आज का दिन। मैं कपड़े तो क्या, नहाता भी 307 से हूं। ये देखो मैंने आपकी सारी कटिंग संभाल कर रखी है, आपकी सारी फोटोज, सारी कलेक्शंस मेरे पास हैं। ये देखो आपके पोस्टर, यहां तक कि आपने ये जो तवे की ऐड की थी वो भी मैंने संभाल के रखी है। मैं दिन रात आपके सपने देखता हूं, पर मैंने ये भरम कभी नहीं पाला कि मेरे सपने भी हकीकत बन सकते हैं। मुझे पता है मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। वो कहते हैं ना
जब किस्मत हो फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुद्दू। आप जाओ स्वीटी जी, आप जाओ। मेरा सरप्राइज गिफ्ट। क्या है? सूट। हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे पे, हाय नी तुझे हैप्पी बर्थडे पर, हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे पे, हाय नी तुझे हैप्पी बर्थडे पर, लेके देना 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 सूट तुझे पटियाला शाही सोनिए, लेके देना सूट तुझे पटियाला शाही सोनिए, लेके देना। कोई सरप्राइज या गिफ्ट देने का आइडिया बड़ा होटल में, हाय नी तुझे डिनर कराएंगे, हाय नी पांच तारा होटल में, लेके देना 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 सूट तुझे पटियाला शाही सोनिए, लेके देना सूट तुझे पटियाला शाही सोनिए, लेके देना। हाँ जम के नचना साथ तेरे यार जब भी फ्लोर पे आना, हाय रे जब नचती नचती तू, हाय रे जब लक हिलाएगी, हाय रे जब नचती नचती तू, हाय रे जब लक हिलाएगी, तेरे नाल खेके देना 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 सूट तुझे पटियाला शाही सोनिए, लेके देना सूट तुझे पटियाला भाई चाय दे दे। ठीक है। हेलो। ये कहाँ से आ गई? मैंने कहा सोनियो हमारे तरफ भी देख लो। हाय ये तेरा नखरा मार ही डालेगा क्या? बहना विनती कर रहा हूँ तू मुझे मत छेड़, तेरे चक्कर में बहुत मार खा चुका हूँ, अब और नहीं खा सकता। कमाल है यार, कैसे गुंडे हो तुम लोग, लड़की छेड़ने को तैयार है तुम लोग छेड़ ही नहीं रहे। देख अब हम गुंडे नहीं रहे, हमने सारी बदमाशी छोड़ दी है, अब चाय की दुकान चलाते हैं। और साथ ही हमने कसम खा ली है कि अब से हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, और ना ही उस साज का नाम लेंगे जिससे उस कलाकार को हरदम गुस्सा आता है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, बस हमें अपना काम करने दे, तुझे चाय पीनी है तो बोल। इतना डर, तुम लोगों की मर्दानगी खत्म हो गई। बस बहुत हो गया, लगता है अब तुझे दिखाना ही पड़ेगा अपनी मर्दानगी। हाँ तो फिर पकड़ जाओ, आओ आओ तुम लोग भी पकड़ो, आओ पकड़ो। आया क्या? क्या कर रही है?
अब ये क्या हो रहा है? लगता है आज नहीं आएगा तेरा लाटू। भाई साहब मुझे जाने दो, आज के बाद किसी लड़के को नहीं छेड़ूंगी, आई प्रॉमिस। एक तो हमारे पास खुद चल के आई, हम क्या झुंझुने के लिए जाने देंगे? फिर झुंझुना। एक मिनट पाजी, तू इधर आ, तू इनको इज्जत से गिटार भी तो कह सकता था। मार इसको। तो चले हम। और कैसे हो? बढ़िया। एक मिनट यार, ओए किधर जा रही है, रुक। आज सब कुछ तेरे कारण हुआ है, मैं तुझको। आपने तो फिर कमाल कर दिया। यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये तो सबको पता है कि मैं तो फूंक भी नहीं मार सकता, ये बेचारी करछियां मार देती है, इनको बोलो थैंक यू। आपको पता नहीं मैं आज कितनी खुश हूँ, आज मेरी थ्योरी सच प्रूफ हो गई। कौन सी थ्योरी? यही कि मैं जब भी किसी मुसीबत में होंगी तो आप मुझे बचाने जरूर आओगे। वो कैसे? एक्चुअली ना आज ना उन गुंडों की कोई गलती नहीं थी, आज मैंने ही उन्हें छेड़ा था। क्यों? ये देखने के लिए कि आप मुझे बचाने आते हो या नहीं, पर देखो आप तो आ गए, अपना पक्का कोई कनेक्शन है। एक मिनट, आपने ये मेरी सीढ़ी तो नहीं खरीदी कभी? नहीं खरीदी तो नहीं है, पर मैं खरीद लूंगी। खैर अब तो ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, यही ले लो आप। थर्ड वन मेरा फेवरेट है, वैसे सारी सीढ़ी सुनने लायक है। I'm sure. हाँ। वैसे कहने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी आप अपना ध्यान रखो। सस्रीकार। पागल लड़की। अब ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ध्यान रखने वाला जो आ गया। भैया जल्दी करो ना, आप बहुत टाइम लगाते हो। ओए रुकना, लगा भैया भैया करने। हेलो, ओहो हेलो, भैया इधर आओ जल्दी। हाँ? हाँ?
हाय राम, इसका काम हो चुका है भैया, अब क्या करें? पुलिस को फोन करते हैं, पता नहीं कौन से कंजरों ने मार के फेंक दिया बेचारे को। इंस्पेक्टर साहब, ये तो साफ साफ मुझे मर्डर केस लगता है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अब देखो ना, एक गोली इसके पिछवाड़े पे लगी है। बंदा जब खुदकुशी करता है तो अपनी खोपड़ी पे गोली चलाता है, पर गोली चली भी सामने से है। अरे ये गोली चलाने वाला बंदा भी महा बेवकूफ, कच्चा निशानेबाज। यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है। फिर ना दूसरी गोली इंस्पेक्टर साहब, उसने ना इसकी छाती के बीचों बीच मारी होगी, और फिर ना लाश को उठा के नदी में फेंक दिया होगा, है ना? तुम दोनों ही इंटेलिजेंट हो। अगर सारे नागरिक तुम्हारे जैसे ही हो जाए तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाएगा। पुलिस की मदद करना तो जी हम जैसे शरीफ बंदों का फर्ज बनता है। मुझे तो पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है। लाट्टू और स्वीटी के बीच प्यार नहीं, कुछ गोलमाल है, पर इनके मेल जोल ने मेरे सारे शक दूर कर दिए। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे हस्बैंड सच कह रहे थे? हाँ हाँ हाँ, लाटू ही स्वीटी का बॉयफ्रेंड है। अच्छा। हाँ, पहले तो सिर्फ लाटू ही स्वीटी से प्यार करता था, अब लगता है स्वीटी भी तैयार है। तुम्हें पूरा यकीन है? हो सकता है ये नाटक हो, वरना इतना अच्छा लड़का ऐसी लड़की के साथ फंस जाए। मैडम, शक करना हमारा काम है, और आप मेरी रिपोर्ट पर शक कर रही हो? जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह प्रद्युमन की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। प्रद्युमन कौन? ओ मैडम, प्रद्युमन शर्मा मेरा नाम है। ओ, ओ। और प्रद्युमन शर्मा की रिपोर्ट ये कहती है कि लाटू और स्वीटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाई जी, आपके कहने का मतलब आप स्वीटी जी का बॉयफ्रेंड नहीं बनना? इसका मतलब अब मैं उनको डेट पे भी नहीं ले जा सकता? बिल्कुल नहीं। पर मान लो अगर उनका मन करे पार्क वार्क में घूमने का, वहां तो ले जा सकता हूँ। नहीं, गुरुद्वारा साहब तो ले जा सकता हूँ मथा टेकने। नहीं, कोर्ट कचहरी। नहीं, बस स्टैंड। नहीं, किसी की मैयत पे तो ले जा सकता हूँ। So sweet. देख भाई, अगर तूने फिर स्वीटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो फिर वो सीधे तेरी मैयत पर ही आएगी, समझ गया? तो वादे के मुताबिक बंगला और गाड़ी तू रख ले और यहां से निकल जा, और दोबारा दिखना मत। है? दिखना नहीं। छोटी छोटी भाई की गड्डी लुटी, इस बंदे की नीयत ठीक नहीं लगती। यार ये बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता? हेलो पापा जी। तेरा दिमाग खराब है? नहीं पापा जी, आपके फोन आने से पहले तक तो ठीक ही था। बकवास बंद कर और बैंड मास्टर के पीछे टाइम खराब करना बंद कर, अपने काम के पीछे ध्यान देगा दे। ठीक है जी। एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस बुड्ढे को सारी बातों का पता कैसे चल जाता है, कोई तो खबरी है। ओए भाई 71-72। ओ पाजी 71-72 नहीं जी, 21-22। ओ यार तुम लोगों का तो मैं नाम ही खत्म कर देता हूँ इस दुनिया से। ओए ये तो अच्छा ही हुआ ना, फिर फाइनली इस ड्रामे से पीछा छूटा। आई एम सो हैप्पी नाउ, अब मैं वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, और तू भी, है ना? हाँ जी। पर तूने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? तू खुश नहीं है? नहीं जी, खुश तो मैं बहुत हूँ स्वीटी जी। अब मैं फिर से शादियों के प्रोग्राम किया करूंगा, बर्थडे पार्टी, जगराते, बुड्ढों के अंतिम संस्कार पर गाऊंगा, झुनझुना बजाऊंगा। वैसे भी इतना टाइम हो गया, मैं पप्पू, राजू, कुकी, गिंदा, गारा, उनको भी नहीं मिला, वो भी बहुत नाराज होंगे मेरे से। ये सारे तेरे फैमिली मेंबर्स हैं? नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाले। ओह हाँ जी, हाँ जी।
तेरे से बहुत अटैच है ना, मिस करते होंगे ना तुझे। नहीं जी, वो तो मैंने उनकी 4 महीने की पगार नहीं ना दी इसलिए। स्वीटी जी, अगर गुस्सा ना करो तो मैं एक बात पूछूं। हाँ पूछ। मैं आपके साथ खड़ा होकर बात कर लूं? क्यों? मैं गलत पैंट पहन के आ गया स्वीटी जी, ये कीले लगे हुए हैं ना पीछे, ये बहुत चुभ रहे हैं बम्प्स पे। इट्स, अगर आप बोलो तो मैं बैठ। इट्स लाटू, इट्स ओके, इट्स ओके। पर आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? नहीं 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 करूंगी, खड़ा हो जा। स्वीटी जी, अगर आप गुस्सा ना करो तो एक बात और पूछ लूं। हाँ पूछ। वैसे तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, पार्लर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, शॉपिंग, एड्स, शूटिंग में आपको टाइम तो नहीं मिलेगा, पर फिर भी मेरा एक बात पूछने को दिल कर रहा है। क्या? मतलब अगर आप कभी फ्री बैठी होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी, थोड़ा सा टाइम होगा आपके पास, तो आप मुझे याद करोगे? लाटू, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जैसे हम फिर कभी मिलेंगे ही नहीं, जैसे लाइफ ही खत्म हो जाने वाली है। आपकी तो नहीं, पर मेरी लाइफ खत्म होने के काफी चांसेस हैं। क्या मतलब? भाई जी, काफी धार्मिक है ना, वो बोल रहे थे कि अगर मैं दोबारा आपसे मिला तो मेरी अर्थी उठा देंगे। तो तू इधर उसके बावजूद मुझसे मिलने आया है? आना ही था स्वीटी जी, आखिर आप मेरी जिंदगी का तीसरा काला हो। तीसरा काला? वो क्या होता है? बहुत हाई स्केल होता है हारमोनियम पे जी, उस पर कोई नहीं गा सकता। पर मैं तीसरा काला कैसे हुई? स्वीटी जी, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, पर मैं सपने में भी तीसरे काले तक नहीं पहुंच सकता। पर जहां मैं सपने में भी नहीं पहुंच सकता, अपनी रियल लाइफ में वहां तक पहुंचने का मैं आखिरी मौका कैसे जाने दे सकता हूं? जान का क्या है जी, जाती है तो जाए। स्वीटी जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो आई एम सो सॉरी स्वीटी जी, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मेरी गलती है स्वीटी जी, पर मैं आपको आखिरी बार लाइव देख रहा हूँ ना, इसलिए मेरे अंदर से निकल गई ये बातें, मैं सेंटी हो गया था स्वीटी जी, मेरे मुर्शिद जानते हैं स्वीटी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी एड्स देखता हूँ, आपके शोज देखता हूँ, पर मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था स्वीटी जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, आई एम रियली सॉरी स्वीटी जी, मुझे ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता मेरी गलती। अकेले ही बकवास किए जा रहे, मेरी भी तो सुन ले। I love you too. स्वीटी जी, मुझे पता है ये सपना है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा सपना टूटे। स्वीटी जी, मैं आपको टच करके देख लूं? लाटू जी, मैं भी तुम्हें टच करके देख लूं।
सो स्वीट, क्या बात है स्वीटी जी, आज बड़ी कलरफुल लग रही हो। लगता है किसी खास बंदे से मिलकर आ रही हो। पंख होती तो उड़ आती रे। शुक्र है भगवान का, बेबे ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं है। ओ इतना जोर मत लगा मुंह पे, लोग तुझसे डरने की बजाय तुझ पे लाइन मारने लगेंगे। और निकाल इस खीरे को, दूर कर इस हेलमेट को, चल उधर पाजी वेट कर रहे होंगे। हो हो भैया, आपके ताने सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। अच्छा लगना कोई पाप नहीं होता। ओहो, आप नहीं समझोगे जंगली। चलो पिंकी। यस सर। कितने पैसे हुए? 450 ओनली। थोड़ा कम कर लो प्लीज। सॉरी सर, आई कांट। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। 21 जी, 22 जी, पुलिस। अच्छा है तुम लोग मिल गए। भाई तुम लोग की वजह से मुझे इतना बड़ा केस मिल गया है, और अब तो मेरी प्रमोशन भी पक्की है। बस एक बार लाश वाला केस सॉल्व हो जाए। वो लाश किसी जर्नैन नाम के बड़े बिजनेसमैन की थी, और मुझे ये भी पता चला है कि मर्डर से पहले उसका पंगा मशहूर डॉन पाजी के साथ चल रहा था। इसीलिए डॉन पाजी के बारे में कुछ जानकारी लेने आया हूँ। सुना है उनका कोई अड्डा है जो मुझे मिल नहीं रहा, और ना तो कोई मुझे बता रहा है। मैंने सोचा चलो पार्लर वाली से पूछ लेते। अच्छा आप पाजी की बात कर रहे हो? हाँ जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम मिला देते हैं आपको पाजी से। रियली? मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? देखो जी इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की मदद करना तो अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है। जैसे ही इन्होंने आपका नाम लिया और पूछा पाजी को जानते हो, मैंने कहा जानने की क्या बात है, पाजी तो सच्ची मुच्ची हमारे पाजी है, इसलिए हम इनको इधर ले आए। अब आप लोग आमने सामने बैठ कर लो बातें। पाजी मैं आपसे जर्नैल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन जर्नैल? जर्नैल नहीं, जर्नैल। वो आप पुलिस वाले हो कि हेडमास्टर? पुलिस नहीं, पुलिस। देखो भाई ऐसे तो अपनी बात आगे नहीं बढ़नी। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप जर्नैल को जानते थे या नहीं? नहीं, बस पेपर में पढ़ा था कि उसकी लाश मिली थी आप लोगों को। उसका तो पूरा क्रेडिट इन दोनों को जाता है। वाह भाई, इन्होंने मौके पे लाश देख के मुझे बुलाया। ये दोनों सच में महान हैं। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप भी ना। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि तुमने जर्नैल का घर किसी लाटू को रहने को दे दिया है। मैं आपको प्रॉपर्टी डीलर लगता हूँ। देखो पाजी, आपकी पूरी रेपुटेशन मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुरा काम मैं ही करता हूँ। तो शायद आपको अच्छे से मेरे बारे में पता नहीं है। 2 MP, 13 MLA, 17 councillor, 4 SP मेरे अंडर में रहते हैं, 7 मंत्रियों के साथ मेरे फोटो हैं, समझे? समझ तुम्हें सब कुछ किया पाजी, बस एक बार सबूत हाथ लग जाए उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलूंगा। आप लोगों की हेल्प के लिए आपका एक बार फिर से थैंक यू। आप दोनों सच में महान हो, इस देश को आप दोनों पर मान है। आई सल्यूट यू। दाएं से सल्यूट करेंगे, सल्यूट कर। चलता जी। सल्यूट कर। कंजरों गधों, किन गधों से पाला पड़ा है मेरा।
पाजी हमने क्या किया है? किया क्या है यार, खुद ही लाश को ठिकाने लगा के खुद ही पुलिस को बता भी देते हो। अच्छा, हमने ऐसा किया है? ऊपर से पुलिस को अड्डे पे लेके आ गए, साथ में इनको चाय पानी के लिए भी पूछ लेते। अबे ऐसा कभी होता है हमारी लाइन में? सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, पर हमने किया है। सो स्वीट। सॉरी पाजी, गलती हो गई, पर अब सब याद आ गया। हाँ भाई, याद तो आना ही है। समझदार लोग कहते हैं ना कि मरने से पहले मरने वाले को सब कुछ याद आ ही जाता है। नहीं। एक मिनट पाजी, प्लीज गोली मत चलाना जी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं खुद ही मार लेता हूँ जी। ओ पागल है, इतनी जल्दी क्या दी? मैंने कब कहा कि मैं गोली चलाने वाला हूँ? मैं तो इन लोगों को डरा रहा था। क्या? और क्या? और तू फिर इधर ही क्यों मारी गोली अपने? हर बार यही लगती है ना जी। ओए मूर्ख आदमी, जो अपने आप को गोली मार रही थी तो घर और गाड़ी की चाबी अपने प्लाट पे ही लाके रख दिया होता। पाजी प्लाट नहीं, प्लॉट। तेरी तो मैं अंग्रेजी आज सही करके छोड़ूंगा। ठीक है, तुम दोनों चाहते हो ना कि मैं तुम्हें बख्श दूं, तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा बिना कुछ भूले। यस सर। 108 का। ओह कितना सोना लड़का, ले ये तो मैं ही हूं। स्वीटी जी के तो भाग खुल गए, कहीं आ तो नहीं गई। मैं तेरा लाटू 108। हाय 21 भाई साहब, यहाँ पे क्यों जी? हम नहीं आ सकते यहाँ। नहीं आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकते? पर मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा था। पता है, आप ना स्वीटी जी को मिलने जा रहे हैं, है ना? आपको कैसे पता? हमें ही नहीं, पाजी को भी पता है, इसलिए तो तुझे अड्डे पे बुलाया है, वो भी अभी। अभी? हाँ, अभी। पाजी बहुत गुस्से में है, बोले मैंने मना भी किया था, लाटू फिर भी स्वीटी से मिलता जुलता है। आज तो तेरी शामत आने वाली है लाटू। कोई नहीं, मैं नहीं डरता भाई साहब से। ठीक है, अगर बात खोली गई तो मैं भाई साहब को सब बता दूंगा अपने और स्वीटी के बारे में। फिर तो तेरी बलि चढ़नी ही है आज। देख लाटू, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें भी पता है पाजी तेरे साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा करो, ये रख लो तुम। हाँ, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ले लो प्लीज, ले लो ना। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बट वाई जालिम? मुझे चलाने ही नहीं आता। हाँ, अगर आता भी होता तब भी मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ जो भी करना है बाबा जी के भरोसे पर ही करना है। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, चल निकाल गाड़ी, समझा उन्हें पाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी जालिम। हेलो इंस्पेक्टर साहब। ओ आ भाई बैंड मास्टर। भाई साहब आपने बुलाया मुझे। भाई तेरी एक गलतफहमी दूर करनी है। क्या जी? तुझे शायद लगता है कि भूपिंदर सिंह बेवकूफ है, जलनखोर है, डफर है ना? नहीं जी। नहीं तो तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू मेरी पसंद की लेडीज, जेंटलमैन लेडीज के साथ अपना चक्कर चला लेगा? नहीं भाई साहब, चक्कर वाली कोई बात नहीं, असल में मैं और स्वीटी जी एक दूसरे को प्यार करते हैं। So sweet. Boobie, here's your drink. स्वीटी जी आप यहाँ पर? मैं तो भूपी से मिलने आई थी। He's a good friend. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलाया इसे, इसकी गलतफहमी दूर करने। कौन सी गलतफहमी? भाई इसे गलतफहमी हो गई है कि तू इसे प्यार करती है। What? तुझे ऐसा क्यों लगा? ये आप क्या बोल रही हैं स्वीटी जी? आपने खुद ही तो बोला था उस दिन। क्या कहा था? कि I love you? हाँ। तो तूने इस बात को सीरियसली ले लिया? मैं तो ड्रामा कर रही थी। भूपी, you need some ice? Yeah, sure. ड्रामा? हाँ। भूपी को शक था कहीं वो जासूस अभी भी हमारे पीछे ना हो।
इसलिए इन्होंने मुझे एक्टिंग करते रहने को कहा। That's it. ना, थैंक यू। पर आपने तो इतनी रूह से बोला था मुझे, आपने सच बोला था ना? मुझे गलत मत समझ, सच ये है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अब चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा प्यार करती रहूंगी। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी जी। तो फिर मान गया। हे भगवान, मैंने पागल तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा नहीं देखा, जो हर वक्त तैयार रहता है बेवकूफ बनने के लिए। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसी लड़की सच में तेरे जैसे बैंड मास्टर के साथ प्यार कर सकती है? हाँ, ये रियलिटी है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये सपना है, पर ये नहीं पता था कि सपना टूटने से इतनी तकलीफ होती है। तूने फैसले ही फासले बढ़ाने वाले किए, तूने फैसले ही फासले बढ़ाने वाले किए, नहीं तो तेरे बगैर कहे मेरा कौन था। तूने फैसले ही फासले बढ़ाने वाले किए, नहीं तो तेरे बगैर कहे मेरा कौन था। और कौन होगा मेरे जैसा मुरीद तेरा, और कौन होगा बता तेरे से करीब मेरा, और कौन होगा। तूने फैसले ही फासले बढ़ाने वाले किए। लाटू सिंह। हाँ जी सर। बैग सैग खिसकने की तैयारी? नहीं सर, मैं तो वापस अपने घर जा रहा था। मेरे पास ना इस बंगले का सर्च वारंट है, तो जब तक इस पूरे बंगले की तलाशी नहीं ले लेते तू कहीं नहीं जा सकता। चलो भाई। जी जनाब। तू उधर देख, तू सामने देख। सर पर तलाशी किस बात की? मुझे शक है कि जर्नैल सिंह के मर्डर में तेरा हाथ है। मर्डर? पर सर मैं तो किसी जर्नैल सिंह को नहीं जानता। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। उसके बंगले पे कब्जा करके बैठा है और ऊपर से कह रहा है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। जनाब ये पिस्टल मिली है। 0.22 कैलिबर मिथिन वेसेंस। इसके फिंगरप्रिंट चेक कराने के लिए भेज दो। जी जनाब। एंड यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर लाटू। जर्नैल कत्ल केस, लाठू सिंह गिरफ्तार। जर्नैल नहीं पाजी, जर्नैल जी। तो यार क्यों मेरी खुशी में आग लगाया जा रहा है? दूर हट। भूपी। ओए पम्मी जी। पम्मी जी इस वक्त आप यहाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ क्या बात है? मैंने हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। सच्ची? पर क्यों, क्यों जा रही हैं? मैं ये झूठा रिश्ता तोड़ के
अपने सच्चे प्यार को हासिल करने जा रही हूँ। ओए तू क्या बकवास कर रही है पम्मी? मैं सच कह रही हूँ, मेरी रूह का सच, कोरा सच, नंगा सच। गंदी बातें ना कर पम्मी। हैं? साफ साफ बता दे किससे मुंह काला कर रही है तू मेरे पीठ पीछे। है एक सलोना सच्चा, भोला भाला, जिसे कुछ और नहीं सिर्फ प्यार चाहिए रहता है। देख तू जाना चाहती है तो जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। सच्ची? सच्ची। मेरा इतना तो हक बनता है कि कम से कम उसका नाम तो जान सकूं। तुम उसे कुछ करोगे तो नहीं? अपने सारे ब्लैक मनी की सौगंध। उसका नाम है लाटू। लाजी? लाटू। ओ बैंड मास्टर। हाँ। ओ बैंड का टका वो लाटू। माइंड योर लैंग्वेज, वो ही है मेरा सच्चा प्यार। अब तुम्हें क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं कि रोऊं। तुम आराम से बैठ के सोच लो, मैं जा रही हूँ। मामी जी एक मिनट, तूने भले ही हमेशा मुझे गलत समझा हो लेकिन मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी पति हूँ। जो मुंह काला कराकर अगर तुझे खुशी मिलती है तो मुझे मंजूर है। इसलिए तुझे मैं अब ये भी बताता हूँ कि लाटू इस वक्त कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जेल में। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा लाटू किसी का कत्ल नहीं कर सकता, इसमें जरूर किसी की साजिश है। मैं भी देखती हूँ कि पुलिस मेरे लाटू को कैसे बंद करके रखती है। लाटू मैं आ रही हूँ, डोंट वरी, आई एम कमिंग। पम्मी जी ना जाओ, पम्मी जी रुक जाओ, पम्मी जी रुक जाओ, पम्मी जी आप, पम्मी जी जाओ। ओए छुट्टी छुट्टी भाई दी गड्डी लुट्टी, ओए छुट्टी छुट्टी भाई दी गड्डी लुट्टी। पम्मी जी अपने आप घर छोड़ के चली गई है, अब तो पापा जी भी मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब मैं फिर से घोड़ी चढ़ूंगा स्वीटी के साथ। ओ छुट्टी छुट्टी भाई की गड्डी लुट्टी, छुट्टी छुट्टी भाई की गड्डी लुट्टी, स्वीटी जी वेलकम वेलकम, बहुत ही बढ़िया मौके पे आए हो। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू लाटू को कुछ नहीं करेगा। हाँ तो फिर मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो कर रही है पुलिस कर रही है। तूने मुझसे झूठ बोला। ओए, ओए, ओए। फिर तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैंने सोचा था मेरे साथ जो होगा सो होगा, पर ये झूठा नाटक करके मैं लाटू को तो किसी भी तरह बचा लूंगी, पर मैं बेवकूफ बन गई जो मैंने तुझ पे भरोसा किया। अब मैं जा रही हूँ लाटू के पास, तुझसे जो होता है कर ले। पाजी? पाजी? अब पाजी का क्या मतलब है? ओए स्वीटी जी मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। ओए स्वीटी जी मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ। स्वीटी जी ये अच्छा नहीं होगा। ओए ऐसे नहीं मानेंगी इस जेंटलमैन लेडीज की, तो इसे तो मैं जेंटलमैन लेडीज बना के ही छोड़ूंगा। ओए रुक जाओ। ओए हाय पापा। ओ बेटी तू इधर अचानक। एक्चुअली ना मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझसे सबर नहीं हुआ। एक और जरूरी बात, चल बोल, तू भी बोल। पापा वो ना मुझे। देख बेटी बहुत अच्छी बात है, शर्म औरत का गहना होता है, पर ये गहना हमारी औरतों ने कभी पहना ही नहीं, इसलिए जल्दी से बोल क्या कहना चाहती है तू। पापा मुझे किसी से प्यार हो गया है। हैं? हाँ पापा, उसने कितनी बार मुझे गुंडों से बचाया है, एकदम हीरो जैसा। नाम क्या है उस लड़के का? लाटू। लाटू? लाटू। पापा नाम थोड़ा सा फनी है, बट ही इज वेरी स्वीट। ओ बेटा स्वीटी चाहिए था तो नंदू हलवाई के गुलाब जामुन से प्यार कर लेती। पापा या इस 21 के साथ भी कर लेती तो मैं खुश हो जाता। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा, पर सर मैं इस टाइप का बंदा नहीं। ओए दूर हट यार, मेरा बात के आ जाता है बात करने। पापा आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और क्या करूं बेटी, विधवा विलाप करूं है? तू उस घोचू गधे के साथ प्यार नहीं कर सकती। आप उसके बारे में ऐसा मत कहो, आप जानते भी हो उसको। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस लेडीज चोर को। आप इस तरह से मेरा प्यार नहीं कैंसिल कर सकते, मुझे एक कारण तो बताओ मैं लाटू से प्यार क्यों नहीं कर सकती। एक कारण? मैं तुझे चार चार कारण बता सकता हूँ। कारण नंबर 1, इस वक्त वो गधा कत्ल के इल्जाम में जेल में है।
मेरा लाटू जेल में है। हाँ, कारण नंबर दो, वो स्वीटी, वो मॉडल, वो भी उसके साथ सच्चा प्यार करती है। स्वीटी? और कारण नंबर तीन, वो तेरा ही नहीं तेरे माँ का भी लाटो है। What? मम्मी का? चौथा कारण, मैं आज ही उसकी मैयत निकालने वाला हूँ। इस तरह से अगर तू 1/3 विधवा नहीं होना चाहती तो अपना प्यार कैंसिल कर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। लाटू सिर्फ मेरा है, हमारा रूहानी कनेक्शन है। लाटू को तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने लाटू के पास। बेटी, ओ बेटी, साली कुत्ती जिंदगी, और कोई और माँ बहन बची है अपने खानदान में? लाटो, मुझे लाटो चाहिए, मुझे लाटो लाके दो, दो लाके, दो लाके मुझे लाटो। बच गया मैं, लगीली गोली। लाटू सिंह, तुझे कोई मिलने आया है। असल में तो तुम फोटो से भी ज्यादा सुंदर लगते हो। हेलो लाटू जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ पम्मी, प्यार से तुम मुझे ना पैम भी कह सकते हो। पर मैंने आपको पहचाना नहीं पम्मी जी। ये पम्मी जी क्या होता है, पैम कहो ना। पैम? ओके, आप कौन हो पैम जी? हाय, तुम्हारे मुंह से पैम सुनकर कितना अच्छा लगता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, खींची चली आई। मतलब? मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपने 20 साल पुराने पति को भी छोड़ के चली आई। क्या, पति को? हाँ, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, शहर का बहुत बड़ा डॉन, भूपिंदर सिंह। आप क्या भाई साहब की मिसिज हो? थी, पर अब नहीं, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारे लिए फिल्टर वाला पानी लेके आती हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, लाटू, तेरा गुस्सा जायज है लाटू, मुझे पता है तू मुझे कभी माफ नहीं करेगा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले लाटू, प्लीज एक बार, प्लीज एक बार। लाटू, मैं तुझे सिर्फ ये सच बताने आई हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। पाजी ने तुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं डर गई थी। मुझे पता है मैंने तेरा दिल तोड़ा है। I'm sorry. स्वीटी जी। ए ग्लैमर गर्ल, बंद कर ये ड्रामा। लाटू जी, इसकी झूठी बातों में मत आना। हाँ, ये आंटी जी कौन है लाटू? हाँ, तुझे गोद लेने आई है। आंटी होगी तेरी माँ, मैं इसको प्यार करती हूँ। व्हाट? तुमने अपनी उम्र देखी है, शर्म नहीं आती तुमको? प्यार में काहे की शर्म, चल चल निकल यहाँ से। शी इज राइट, आपको शर्म आनी चाहिए मम्मी। प्रिया। मम्मी? मम्मी प्रिया। हाय लाटू जी। तू यहाँ क्या करने आई है? लाटू जी की उम्र की तो तुम्हारी बेटी है आंटी जी, अगर तुम्हारी बेटी को लाटू से प्यार होता फिर भी बात समझ में आती। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ। बिल्कुल, देखा, ये भी यही बात कह रही है। अब तुम जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज, आप पापा के पास वापस चले जाओ, लाटू को मेरे लिए छोड़ दो, आई लव हिम। ये क्या बकवास कर रही है तू? बिल्कुल क्या बकवास कर रही है तू? तुम्हारी बेटी पागल तो नहीं हो गई है? पागल तो तुम दोनों हो गए हो जो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो। मैं और लाटू मेड फॉर ईच अदर है, उसने मेरी आत्मा को टच किया है।
तुझे शर्म नहीं आती अपने होने वाले पिता पे लाइन मारते हुए? बदतमीज, आपको शर्म नहीं आती अपने होने वाले दामाद को लाइन मारते हुए? तूने मुझे क्यों मारा? मैं अपनी मम्मी पे हाथ कैसे उठाऊं? ऐसे? हाय, तूने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुझे मारा। लड्डू जी, पकड़ो। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे? तेरी तुझे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो कोई हिला तो ये थाना अब हमारे कब्जे में है। पाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि ये सदाचार के खिलाफ है। आपने पहले कभी ऐसे होते देखा है इंडियन कल्चर में? हमने भी किसी पुलिस वाले को ऐसे औरतों की तरह रोते हुए नहीं देखा जी। 21 जी, भाई जी, आप तो ऐसा मत कहो, आपके ऊपर तो देश को मान है। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। अबे भूतनी के, चुप करो और बाहर निकालो उस बैंड मास्टर को। चलो। अबे मैंने तुझे प्यार की एक्टिंग करने को कहा था और तू मेरे साथ ही नाटक करने लगा। मेरी मिसेज, मेरी बेटी, मेरी गर्लफ्रेंड, इन तीनों को तूने फंसा लिया। गर्ल फ्रेंड, झूठ, धोखा। भूपी, तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे पुलिस स्टेशन में झाड़ू से थर्ड डिग्री दूंगी। चुप कर झाड़ू वाली। मैंने धोखा दिया? तू बड़ी यहाँ मजार पे चादर चढ़ाने आई है? खबरदार, जो एक शब्द भी आगे बोला तो, खबरदार जो किसी ने चू भी किया तो, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं एक मिनट पाजी। हेलो, कहाँ पे तुम लोग? हम पुलिस थाने में हैं जी, पर आप कौन हो? बॉस बोल रहा हूँ गधे। सॉरी बॉस। किसका फोन है? बॉस का। अबे गधे, बॉस तो मैं हूँ। कमाल है बॉस, सामने भी आप बोल रहे हो और फोन पे भी, और दोनों ही मुझे गधा कह रहे हो। फोन दे। हेलो हेलो। ओ माय, वो तो पापा जी का नंबर है। पापा जी का नंबर? बे कंजरा, तू ही है, तू ही है खबरी, तू ही है खबरी। बस बस, और सॉरी नहीं, आज के बाद सरदार भूपिंदर सिंह सुल्तानपुरिया की लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज के आज मैं अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहला नंबर इस लाटू का है। भूपी, तू इसको गोली नहीं मार सकता, ये तेरा होने वाला सौतन है। भाभी जी, सौतन तो औरत होती है। स्त्रीलिंग पुलिंग छोड़ो भैया, इमोशंस देखो। हाँ जी पापा, प्लीज, ये आपका होने वाला जमाई है, इसे मत मारो। अच्छा भाई, इतना सच्चा प्यार है माँ बेटी का, तो इसके बदले तुम दोनों गोली खा लो, इसे मैं छोड़ दूंगा। पम्मी जी, कुर्बानी तो मैं दे देती, पर हाँ, मेरे बगैर इस बिन माँ की बच्ची का क्या होगा? प्रिया बेटा, दे तो मैं भी देती, पर मेरे बगैर इस बिन बच्ची माँ का क्या होगा? हाँ जी स्वीटी जी। स्वीटी जी, आपको अपनी जान से ज्यादा ये झुनझुना प्यारा है। क्या कहा आपने मुझे? झुनझुना। आप प्यार से मुझे बेंजो भी तो बोल सकते थे ना। नहीं, मैं तो झुनझुना ही कहूंगा, कर ले जो करना है। आपने ये कभी सीडी तो नहीं खरीदी मेरी? मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। रॉन्ग आंसर। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, ओए पकड़ो इसे, ओए चलो, ओए तेरी तो मैं। नहीं छोड़ मुझे, हट परे। नहीं मुझे क्यों पकड़ना? नहीं छोड़ मुझे, नहीं छोड़ मुझे। पकड़ पकड़ पकड़
शाबाश शाबाश इक्कीस बाईस, तूने आज पहली बार अच्छा काम किया है। अबे बच के कहाँ जाएगा, हट जाओ इक्कीस बाईस, हट जाओ, आजा आजा चला गोली अब आजा। अबे गधे गोली तुझे लग जाएगी, हट जा पहले तू सामने से। अरे पानी ये छोड़ ही नहीं रहा। अबे हट सामने से। मैं फंस गया, मुझे निकालो, फंस गया मैं। खबरदार खबरदार खबरदार, कोई गोली नहीं चलाएगा, खबरदार। ले चलो ले चलो भाई, कहाँ ले चल रहा है, जाना किधर है? सॉरी पाजी। अबे घर कहा था ना कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक है ठीक है, चलो भाई चलो। अबे कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। ले चलो भाई ले चलो, पीछे रहो पीछे। कोई गोली नहीं चलाएगा। ओए बेवकूफ, बंदूकें निकालो, सामने से हटाओ, हट जाओ सामने से। ओए गोली में चला रहा है। अबे गधा तुमने सुना मेरी, अबे मुझे मरवाओगे गोली है? हट जाओ सामने से, हट सामने से, हट जाओ। है और कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। रुक जाओ रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा, हट जाओ। एक मिनट एक मिनट, ओए पीछे हटो पीछे हटो। तू भी नहीं। स्वीटी जी, हाँ बरसात होने वाली है। ओ ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? ओए भूपी गन छोड़ दे। ओए पापा जी नहीं छोड़ूंगा, नहीं ये गलत है। ओए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, गन छोड़ दे। ये लो कंजरा, मैंने तुझे अपनी बेटी दी थी, इस शहर का डॉन भी बनाया, और तू मेरे से झूठ बोलता रहा। पापा जी इसने मुझसे भी झूठ बोला है, वो भी उस लड़की के पीछे। पापा जी मुझे थप्पड़ भी मारा है, इसकी ऐसी की तैसी कर दो। अरे तू चुप कर, ऐसी अबला नारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तेरी सारी करतूतों का पता चल चुका है। मैंने अपने आप को पता नहीं कैसे रोका, वरना तेरे सारे कारनामे सुन के पहली बार इस भूपी के ऊपर अपनी जिंदगी के अंदर हमदर्दी होने लगी थी। हाँ सच्ची सच्ची पापा जी, तो पापा जी आई लव यू, आई लव यू पापा जी, पापा जी आई लव यू, पापा जी आई लव यू। हैं मैं सिर्फ हमदर्दी जता रहा हूँ तेरे साथ, फेरे नहीं लूंगा तेरे साथ। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। नहीं पापा जी। चलो अब मुझे बताओ कि कौन है वो लाटू बाटू जिसके कारण सारा एक कंजर खाना हुआ है, कौन है वो? यही है वो जालिम है। ओए पापा जी। ओए ये झुंझुना है। अब बजेगा पापा जी का बैंड तेरे। आप मुझे बांसुरी भी तो बोल सकते थे इज्जत के साथ। क्यों झुंझुना सुन के बड़ी तकलीफ हो रही झुंझुने? तकलीफ तो अब आपको होगी। मुझे ये बता दो बाई चांस कहीं आपने ये सीडी तो नहीं खरीदी? ओए तू डिस्को सिंगर? ओ मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ यार, हर रोज तेरी सीडी सुनता हूँ। ओए सीडी का तीसरा गाना ना क्या, खड़ी फसल रोड़ती मीने, खड़ी फसल रोड़ती मीने, जट पावे कीरने। मतलब आप ही हो मेरी इकलौती सीडी खरीदने वाले, मेरी कला के कदरदान? हाँ ओए मैं तो यार तेरी कब से तेरी दूसरी सीडी का इंतजार कर रहा हूँ। ओए कब निकाल रहा तू? जल्दी जैसे पैसे इकट्ठे हो जाए, आजकल बहुत पैसे लग जाते हैं वीडियो बनाने में। ओए पैसे की कोई बात नहीं यार, तू सीडी निकाल, अब जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा।
फिक्र की बात नहीं है। मैं स्वीटी जी को भी ले सकता हूँ उसमें। लाली कुत्ती जिंदगी। साइलेंस ऑन सेट, फुल लाइट, साउंड, रोल कैमरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डायरेक्टर साहब, वीडियो के एंड में मैं स्वीटी जी को टच कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मैं वीडियो का प्रोड्यूसर हूँ, सिंगर हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं चाहूँ तो स्वीटी जी को हक कर लूँ। और तू जो मर्जी होवे, पर इस वीडियो का डायरेक्टर मैं हूँ, होगा वही जो मैं चाहूंगा। चुप करके खड़ा हो जा वहां पर। यार बड़ा बदतमीज है तू है। अरे तू आदमिया के ढक्कन, उतना बड़ा तू खुद नहीं है जितनी बड़ी तू टोपी पहन रखी है, बड़ा डायरेक्टर बना है। और तू अपने आप को समझता क्या है? अबे 200 लगा के अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लगा है बेटा? स्टार डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्टर बिना तेरी औकात ही क्या है? बताऊं तुझे औकात? बताऊं? हाँ। चल यहाँ से, गेट लॉस्ट। और तू क्या भेजेगा? मैं ही जा रहा हूँ, पैकअप हो। कोई पैकअप नहीं तेरा, गेट लॉस्ट, चल यहाँ से। बहुत बड़ा डायरेक्टर बनता है। अरे जानता हूँ मैं डायरेक्टरों को, क्या करते क्या डायरेक्टर। अरे कट और एक्शन ना खुद ही कर लेंगे हम। चलो रोल एक्शन। इस गाने को कॉपी करने के लिए पहले पट्टों पे हाथ मारें, फिर स्टार और नौ दबाएं। शुल्क लागू। डिस्को सिंगर। पट्टों पे हाथ मारें। डिस्को सिंगर। डिस्को सिंगर टूट पेड़ा में लाल लुट लेना। डिस्को सिंगर टूट पेड़ा में लाल लुट लेना। ओ बारी बरसी कट गया सी, ओ बारी बरसी कट गया सी, कट के लिया दा छेड़ा। जब किस्मत ही हो फुदू, तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दुदू।